जय हिंद दोस्तों, जो टॉपिक चल रहा है वो है नेटवर्किंग मैराथन। इसी को अपन आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले तो कमेंट कर दीजिएगा, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या। इसके बाद अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा। और बच्चों, ये क्लास डेली होती है, डेली क्लास हो रही है आपकी मैराथन क्लास। इसके हिसाब से प्रोग्रामर और ACPK के लेवल के ऊपर चल रही है क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पूरा कंसेप्ट है वो नेटवर्किंग लेयर को जा रहा है, कि नेटवर्किंग लेयर किस तरीके से काम करती है। याद रखना, नेटवर्किंग लेयर बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है, जिसके ऊपर राउटर रहता है, और राउटर के ऊपर मैंने राउटिंग एल्गोरिथम बहुत सारे समझा दिया था आपको। आज अपन आगे बढ़ते हैं। बच्चों थोड़ा सा अलर्ट रहना, टॉपिक का क्या नाम है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपके दिमाग में यह आ जाना चाहिए, IPv4 हेडर, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। देखिए बच्चों, कोई भी पैकेट बनता है तो पैकेट के अंदर एक हेडर होता है, बच्चों क्लियर, जिसका नाम क्या है, IPv4 हेडर। याद रखिए, पैकेट कौन सी लेयर बनाती है, नेटवर्क लेयर बनाती है। ये सारे पॉइंट तो आपके क्लियर है कि पैकेट कौन सी लेयर बनाती है, नेटवर्क लेयर बनाती है, बच्चों क्लियर। नेटवर्क लेयर के ऊपर पैकेट बनता है, और प्रत्येक पैकेट का एक पार्ट जो होता है वो क्या कहलाता है, हेडर कहलाता है। तो IPv4 का जो हेडर है उसके ऊपर आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं मिले। IPv4 का हेडर को आप अच्छी तरीके से पढ़ के जाइएगा, क्या क्या लॉजिक बन सकता है तो समझने की कोशिश करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आज का पहला कंसेप्ट है IPv4 के अंदर, वो क्या कंसेप्ट है। आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। याद रखिए, आईपी के दो प्रोटोकॉल आए, IPv4 IPv6, ऐसे तो बहुत सारे आए, लेकिन बच्चों याद रखना इन दो के ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, IPv4 और IPv6, बच्चों क्लियर। तो जो पैकेट होता है बच्चों, क्लियर, पैकेट जो होता है उसके अंदर दो पार्ट होते हैं। अगर मैं पैकेट की बात करूं तो एक तो क्या होता है बच्चों, एक तो होता है हेडर, और एक क्या होता है बच्चों, तो एक होता है पेलोड, बच्चों क्लियर। तो ये पॉइंट आपके दिमाग में रहना चाहिए कि पैकेट के दो पार्ट है, एक तो होता है हेडर और एक क्या होता है पेलोड। अब बच्चों, जो ये हेडर होता है ये क्या साइज का होगा, पेलोड क्या साइज का होगा, मिनिमम मैक्सिमम, इन सब के ऊपर आपका क्वेश्चन बनता है। याद रखिए, याद रखिएगा, जो हेडर होता है वो कम से कम 20 बाइट का तो होता ही है, 20 बाइट का होगा, और मैक्सिमम कितने बाइट का होगा, 60 बाइट का होगा, बच्चों क्लियर। और जो पेलोड है बच्चों, वो याद रखिए, वो कम से कम 20 बाइट पेलोड, कम से कम 0 बाइट का तो होगा ही, बच्चों क्लियर, और मैक्सिमम कितना होगा, तो याद रखिए, याद रखिए, 20 हटा दो 65535 में से, तो 65515 बाइट का होगा, बच्चों क्लियर, ये पॉइंट याद रखना। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि मिनिमम पेलोड कितना जाता है, तो मिनिमम पेलोड 0 बाइट जाता है, और मैक्सिमम पेलोड कितना जा सकता है, तो 65515, और मिनिमम हेडर कितना जाता है, 20 बाइट, और मैक्सिमम हेडर कितना जाता है, 60 बाइट, बच्चों क्लियर। तो इसका मतलब जो पैकेट की मिनिमम साइज है वो कितनी होगी बच्चों, 20 बाइट, और उस 20 बाइट के अंदर बच्चों हेडर कितना होगा, 20 बाइट, हेडर होगा आपका कितना, 20 बाइट, और पेलोड कितना होगा, तो पेलोड आपका होगा कितना बच्चों, 0। तो याद रखिए, मिनिमम पैकेट कितने का होगा, 20। अगर मैं बात करूं क्या हेडर मैक्सिमम कितना जा सकता है, तो मैक्सिमम 60 बाइट जा सकता है, बच्चों क्लियर। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, ये सारे कंसेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। हेडर मिनिमम कितना होता है, तो हेडर मिनिमम कितना होता है, 0 बाइट, और हेडर मैक्सिमम कितना होता है, 60 बाइट, और पूरा का पूरा पैकेट कितना हो सकता है, तो पूरा का पूरा पैकेट 20 बाइट से लगा के 65535 बाइट तक हो सकता है, क्लियर। अभी तक ये पॉइंट आपके क्लियर है तो एक बार कमेंट कर दीजिए कि सर हाँ ये पॉइंट हमारे क्लियर है। आज आज में से आपके लगभग 10 क्वेश्चन आ जाएंगे, क्लियर, मैं बिल्कुल गारंटी ले रहा हूं, आज आज में से आपके 10 क्वेश्चन जरूर बनेंगे। याद रखिए, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, डेटा लिंक लेयर, ये तीन लेयर जिसको आती है अच्छी तरीके से, याद रखिए, वहीं से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं तो वो बाजी मार जाएगा बच्चा, बच्चों क्लियर। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये है कि पैकेट कौन सी लेयर पे बनते हैं, तो पैकेट आपके नेटवर्क लेयर पे बनते हैं। पैकेट जो होता है उसके कितने पार्ट होते हैं, तो पैकेट के दो पार्ट होते हैं, एक हेडर और एक क्या होता है, पेलोड, बच्चों क्लियर। पेलोड क्या होता है, तो पेलोड वो होता है जो ओरिजिनल डेटा होता है, उसको अपन क्या कहते हैं, पेलोड। और हेडर क्या होता है बच्चों, पैकेट की पूरी इंफॉर्मेशन जिसमें जाती है उसको अपन क्या कहते हैं, हेडर, बच्चों क्लियर। तो याद रखिए, हेडर मिनिमम कितने बाइट का होता है, 20 बाइट, और मैक्सिमम कितने बाइट का, 60 बाइट, बच्चों क्लियर। और पेलोड जो होता है वो कितने का होता है वो देखेंगे, लेकिन इतना याद रखिए, पैकेट बच्चों 20 से लगा के 65535 होगा। अगर मान लीजिए पेलोड में मिनिमम डेटा 0 होगा, लेकिन अगर वो पैकेट बना है तो हेडर जरूर होगा, बच्चों क्लियर। तो 20 बाइट का तो डेटा जरूर जाएगा, इसलिए याद रखिए, पैकेट मिनिमम 20 का होगा और पैकेट मैक्सिमम 65535 बाइट का होगा, बच्चों क्लियर। याद रखना बच्चों, अब अगर ये 20 बाइट का है तो याद रखिए, पेलोड 0 भी जा सकता है, और मैक्सिमम पेलोड अगर 20 बाइट का है तो 65515 भी जा सकता है, क्लियर।
अगर ये पॉइंट अगर आपके समझ में आ गया तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। वो एक क्वेश्चन क्या है, वो एक क्वेश्चन यह है कि पैकेट कौन सी लेयर पे बनता है, पैकेट नेटवर्क लेयर पे बनता है, पैकेट कौन बनाता है, तो नेटवर्क लेयर का काम है पैकेट बनाने का। बच्चों क्लियर? अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर जो पैकेट होता है उसके अंदर क्या चीज होती है, तो पैकेट के अंदर दो चीज होती है, एक तो होता है डेटा और जिसको पेलोड कहते हैं, और एक क्या होता है हेडर। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर जो हेडर है, कमेंट करते रहो फटाफट फटाफट स्पीड से, समय नहीं है। अगर गजेटेड ऑफिसर बनना है तो अंबिका क्लासेस थी, आपको गजेटेड ऑफिसर बना सकती है बच्चों। क्यों? क्योंकि बहुत हाई क्वालिटी की एजुकेशन यहाँ पर चलती है, इसको प्रत्येक व्यक्ति एक्सेप्ट नहीं कर सकता, इसको वही व्यक्ति एक्सेप्ट करेगा जिसकी तैयारी में तारे और सितारे लगे हुए हैं। बच्चों ये नॉर्मल व्यक्ति एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता, याद रखना, यहाँ की जो टीचिंग है उसको नॉर्मल व्यक्ति एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता। यहाँ की टीचिंग को वही व्यक्ति जिसकी तैयारी भरपूर है या फिर तैयारी जबरदस्त है वही एक्सेप्ट करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर, हाँ आगे आसान में, अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर आप बताइए हेडर क्या है। तो हेडर में देखिए बच्चों, ये पांच फील्ड फिक्स है, फाइव फील्ड मिनिमम फील्ड होते हैं बच्चों। ये कितने बाइट का है? चार बाइट, चार बाइट, चार बाइट, चार बाइट, चार बाइट, इसलिए ये 20 बाइट का है बच्चों। क्लियर? मिनिमम हेडर 20 बाइट का तो होगा ही। और बच्चों दो फील्ड ऐसे जो ऑप्शनल है बच्चों। क्लियर? ये फील्ड जो ऑप्शन फील्ड है ये 40 बाइट का है, और ये आपका डेटा जा ही रहा है बच्चों। क्लियर? तो याद रखिए मैक्सिमम हेडर कितने का होगा? 60 बाइट का होगा बच्चों। क्लियर? याद रखना ये ऑप्शन फील्ड है, ये कितने बाइट का होता है? 0 से 40 बाइट का होता है, याद रखिए। यहां से क्वेश्चन आएंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ठीक है, हमारे बिल्कुल समझ में आ रहा है, ये जो चीज है बच्चों वर्जन, बच्चों ये वर्जन है, याद रखिए ये वर्जन है, कितने बाइट का है? 4 बाइट, ये फिक्स है बच्चों। याद रखिए आपने जो पैकेट बनाए वो IPv4 के पैकेट है, तो बच्चों यहाँ पर आपकी वैल्यू 4 आ जाएगी बच्चों। क्लियर? 4 का मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा। अगर ये IPv6 का पैकेट है तो यहाँ पर ये आ जाएगा, ये 4 बिट का डेटा है, याद रखना। वर्जन ये कितने बिट का है? 4 बिट का है। हेडर लेंथ का मतलब ये है, हेडर लेंथ के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। एक्चुअल क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं कैच करते रहना। हेडर लेंथ बच्चों मिनिमम कितनी है? तो मिनिमम कितनी होगी बच्चों? 20 बाइट बच्चों। क्लियर? मैं पैकेट की बात नहीं कर रहा, मैं हेडर की बात कर रहा हूँ। और मैक्सिमम लेंथ कितनी होगी हेडर की? और ये कितनी होगी बच्चों? 7 बाइट बच्चों। क्लियर? याद रखना हेडर लेंथ 4 बिट का है, तो बच्चों 20 को तो मैं भर ही नहीं सकता, तो कॉमन सी बात है बच्चों, ये स्केल यूज करता है कितने का? 4, और मल्टीपल स्केल को यूज करता है। अब 4 बाइट में बच्चों मिनिमम से मिनिमम मैं क्या भर सकता हूँ? तो 4 बाइट में मिनिमम से मिनिमम 000 भर सकता हूँ, मैक्सिमम 111 भर सकता हूँ। अब बच्चों मैक्सिमम में कितना भर सकता हूँ? 15, और मिनिमम में क्या भर सकता हूँ? 0। तो याद रखिए 15 × 4 मतलब मैक्सिमम बाइट कितने? 60 बाइट। और बच्चों याद रखना 0 × 4 मत कर देना, शुरू के जो 5 डेटा है बच्चों, याद रखना। क्या वर्ड बोल रहा हूँ? शुरू के जो ये फील्ड है, कौन से फील्ड? 1 फील्ड, 2 फील्ड, 3 फील्ड, 4 फील्ड, 5 फील्ड फिक्स है। तो 000 से अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं, 0001 से इसको, 0010 से इसको, 0011 से इसको, और 0010 से इसको। बच्चों इसका मतलब जो लेंथ है वो नंबर कहाँ से निकल के आती है? 5 से बच्चों। क्लियर? 5 से निकल के आती है। अब 5 से निकल के आएगी बच्चों, ये 101 है, अब इसका मतलब 5 है, 5 × 4 कितना हो गया? 20 बच्चों। क्लियर? तो हेडर लेंथ याद रखना, जो भी अपन भरते हैं तो यहाँ पर मिनिमम भर सकते हैं 5 बच्चों। क्लियर? मैक्सिमम भर सकते हैं 15, तो बच्चों 5 से लगा के 15 यहाँ पर भरा जा सकता है। हेडर लेंथ कितने बिट की है? आंसर देना 4। हेडर लेंथ में मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? 5, मैक्सिमम क्या आएगी? 15। और अगर वो ये कहे हेडर लेंथ की साइज क्या है? 20 बाइट और 60 बाइट, सबके अलग अलग आंसर है बच्चों। क्लियर? हेडर लेंथ फील्ड कितने बिट का है, ये पॉइंट याद रखना। हेडर फील्ड याद रखना, हेडर लेंथ फील्ड कितने बिट का है? 4 बिट का है। हेडर लेंथ फील्ड कितने बिट का है? 4 बिट का है। हेडर लेंथ फील्ड की मिनिमम वैल्यू क्या है? 5 है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 15 है बच्चों। याद रखिए हेडर की मिनिमम साइज 20 बाइट और मैक्सिमम साइज कितनी है? 60 बाइट, याद रखना बच्चों। ये सब कुछ कैसे बना, ये सब साइंटिफिक है, इसको ऐसे नहीं रटना, याद रखिए। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आते हैं, लेकिन याद आपको ये भी दिमाग में रखना है, ये नॉर्मल चीजें तो नहीं है, ये पूरा का पूरा बच्चों साइंटिफिक रिसर्च है। समझने की कोशिश करना, जो हर चीज में बोल रहा हूँ उसको आपको कैच करना, याद रखिए। जैसा क्वेश्चन, हेडर लेंथ कितने बिट? 4 बिट बच्चों। हेडर लेंथ बच्चों मिनिमम डेटा 5, हेडर लेंथ के अंदर मिनिमम डेटा 5, मैक्सिमम डेटा 15 बच्चों, वैल्यू मिनिमम 5, मैक्सिमम वैल्यू 15, और याद रखिए हेडर लेंथ 20 बाइट और 60 बाइट बच्चों। क्लियर?
अब यहां पर आइए टाइप ऑफ सर्विस, याद रखिए ये कितने बिट का है, 8, कुल मिला के ये 16 है। इधर वाले फिक्स होते हैं, इधर वाले फिक्स नहीं होते, हर बार बदलते रहते हैं, ये सब बदलते रहते हैं, ये फिक्स होते हैं। बच्चों क्लियर? यहां पर आइए टाइप ऑफ सर्विस। अब बच्चों टाइप ऑफ सर्विस कैसी है, तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि टाइप ऑफ सर्विस क्या है, क्या कोई एक्नॉलेजमेंट के लिए हेडर आया है, या फिर इंफॉर्मेशन लेके आया है, या कोई इंटरप्ट लेके आया है, या कुछ और। तो बच्चों इनको रिप्रेजेंट करने के लिए याद रखिए 256 तरीके की, यानी 0 से लगा के 255 तक यह वैल्यू डाली जाती है, ये होती है टाइप ऑफ सर्विस। अपन को इसके डीप में नहीं जाना, लेकिन एक चीज आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि बच्चों टाइप ऑफ सर्विस क्या होता है, या फिर बच्चों 0 से लगा के 255 सर्विस के नंबर होते हैं, कि हो सकता है ये जो पैकेट है ये इंफॉर्मेशन लेके जा रहा हो सकता है ये जो पैकेट है बच्चों ये ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए हो सकता है ये जो पैकेट है बच्चों ये इंटरप्ट वाला पैकेट हो सकता है ये किसी और तरीके का पैकेट हो। तो इस पे अपन को इतना नहीं जाना, लेकिन एक पॉइंट समझ में आ जाना चाहिए, टोटल सर्विस 0 से 255 तक ये डिफाइन कर सकता है, टोटल सर्विस 256 है। हेडर लेंथ 4 बिट की, वर्जन कितने 4 बिट का, टोटल लेंथ आता है, टोटल लेंथ किसके फील्ड की, तो बच्चों ये 16 बिट में आती है, तो 16 बिट में 0000 से 0000 0000 0000 से लगा के 1111111111111 तक भर सकते हैं, मतलब 0 से लगा के 65535। याद रखिए इसलिए कहा जाता है पैकेट की ज्यादा ज्यादा मैक्सिमम साइज क्या हो सकती है 65535। यह हेडर नहीं ये पूरे पैकेट को बताता है, यह हेडर नहीं ये पूरे पैकेट को बताता है, जिसमें हेडर भी आ गया और डेटा भी आ गया। और बच्चों हेडर कम से कम 20 का जरूर होगा, इसलिए पैकेट कम से कम 20 का जरूर होगा, डेटा 0 का भी हो सकता है बच्चों, और डेटा 65515 बाइट का भी हो सकता है, 15 से ज्यादा का नहीं हो सकता, क्योंकि 20 बाइट का आपको हेडर करना है। बच्चों यहाँ बहुत सारे बच्चे 65536 कर देते हैं, अरे भाई ये रिप्रेजेंट करती है 16 बिट कि चलिए इस पैकेट की साइज क्या है। बच्चों क्लियर? पैकेट की साइज क्या है, और पैकेट की साइज में दोनों चीज आ गई, हेडर भी आ गया और बच्चों डेटा भी आ गया। क्लियर? तो याद रखना 0 से लगा 0 तो कभी हो नहीं सकती, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो मिनिमम बिट भरी जाएगी वो क्या भरी जाएगी, तो यहाँ पर मिनिमम बिट बच्चों 20 भरी जाएगी। बच्चों क्लियर? क्या ये कभी डेटा भरा जाएगा, क्या टोटल लेंथ में कभी भी ये भरा जाएगा, नहीं भरा जाएगा, तो कम से कम कितना भरा जाएगा 20। अब 20 का मतलब क्या होता है बच्चों, 16 और ये 4, तो ये बच्चों 20 है, तो यहां से आपका डेटा स्टार्ट होगा। बच्चों क्लियर? याद रखना इसमें जो डेटा भरा जाएगा वो 20 से लगा के 65535 का बाइनरी भरा जाएगा। बच्चों क्लियर? हर चीज के पीछे रीजन है, उसको समझने की कोशिश करना। बच्चों क्लियर? अब चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये पहली लाइन आपके खत्म, पहली लाइन में वर्जन आएगा, वर्जन के बाद बच्चों हेडर लेंथ आएगी, फिर क्या आएगी बच्चों सर्विस आएगी, सर्विस के बाद में आपकी क्या आएगी पैकेट की लेंथ आएगी। बच्चों क्लियर? तो ये पॉइंट अगर आपके समझ में आ गया तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट चलिए आइडेंटिफिकेशन बिट। आइडेंटिफिकेशन बिट क्या होती है समझने की कोशिश करना। बच्चों पैकेट जा रहा है तो एक चीज मैं आपको बता देता हूं, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट हर एक राउटर की अलग अलग होती है। कोई राउटर बच्चों 100 बाइट को एक साथ जाने देगा, कोई राउटर 200 बाइट को जाने देगा, कोई राउटर बहुत सस्ता है, या फिर ये मान के चलिए कि ऐसे नेटवर्क में जो 2G है, 3G है, 4G है, तो बच्चों वो बहुत कम MTU को जाने देंगे। हर राउटर का MTU फिक्स होता है बच्चों। क्लियर? जब कोई डेटा किसी राउटर से होके गुजरता है तो अब उसकी मैक्सिमम क्षमता से ज्यादा होके नहीं गुजरता, इसका मतलब क्या होगा, पैकेट के टुकड़े करेंगे, और पैकेट के टुकड़े को फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है पैकेट का टुकड़ा होता है क्या, बिल्कुल होता है, पैकेट के टुकड़े को क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। याद रखिए कोई भी राउटर अपने साइज से ज्यादा, मतलब अपने MTU मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट से ज्यादा का डेटा नहीं जाने देता है। बच्चों क्लियर? तो याद रखना बच्चों आइडेंटिफिकेशन यूनिट इसलिए काम आती है कि जब उन सब पैकेट के टुकड़े कर करके भेजे जाते हैं तो वापस उनको मर्ज किया जाता है, और मर्ज करने के लिए, रीअसेंबल करने के लिए आइडेंटिफिकेशन यूनिट काम में आती है। एक वो चीज जो कभी नहीं बदलती है बच्चों, याद रखिए जब पैकेट के कितने भी टुकड़े कर दो, अगर इसी पैकेट से मिलकर बने हैं कौन वो सारे फ्रेगमेंटेशन, तो इन सबका आइडेंटिफिकेशन यूनिट सेम होगा। बच्चों क्लियर? याद रखिए आइडेंटिफिकेशन 16 बिट का होता है, हर पैकेट के ऊपर एक नंबर होता है। 16 बिट का क्यों लिया गया, इसलिए लिया गया क्योंकि अगर एक एक बाइट कितना भी टुकड़े कर दो बच्चों, क्लियर, याद रखिए ज्यादा ज्यादा कितने टुकड़े कर लोगे आप, ज्यादा ज्यादा कितने टुकड़े कर लोगे आप, एक एक बाइट के कर लोगे तो 65535 बाइट ही तो होगी बच्चों। तो याद रखिए अपन नंबरिंग कर सकते हैं उन सबका। बच्चों क्लियर? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। ये होता है 0 जो फ्यूचर रिजर्व के लिए रखी गई है। DF का मतलब डू नोट फ्रेगमेंटेशन, इसकी फुल फॉर्म आई थी पिछली बार, याद रखिए DF, डू नोट फ्रेगमेंट, डू नोट फ्रेगमेंट, डू नोट फ्रेगमेंट,
फ्रेगमेंट मत करो, अगर वन है तो इसका मतलब मत करो, और जीरो है तो करो, बच्चों क्लियर। डीएफ, डीएफ वैल्यू अगर जीरो है तो ये कह रहा है करो, अच्छा वन है, वन का मतलब यस, डू डीएफ की फुल फॉर्म, फ्रेगमेंट नहीं है, डू फ्रेगमेंट नहीं है, डू नोट फ्रेगमेंट है, ये वर्ड याद रखना, डू नोट फ्रेगमेंट, इसका मतलब ये हो गया आपने स्वीकार किया वन भरा, इसका मतलब फ्रेगमेंट मत करो, और बच्चों आपने जीरो किया इसका मतलब फ्रेगमेंट करो, बच्चों क्लियर। स्वीकार करने को टेक्नोलॉजी में वन कहते हैं, स्वीकार करना वन, स्वीकार करना वन, स्वीकार करना वन, स्वीकार करना वन, और स्वीकार नहीं करना उसको जीरो। अब इसने इस चीज को स्वीकार किया, डू नॉट फ्रेगमेंट, इसको स्वीकार किया तो बच्चों इसका टुकड़े होंगे, और अगर डीएफ बिट जीरो है तो उसका टुकड़ा नहीं होगा। अगर किसी पैकेट की डीएफ वैल्यू जीरो है और बच्चों राउटर पे चला गया और राउटर का एमटीयू कम है पैकेट की साइज से, तो बच्चों याद रखना वो राउटर उस पैकेट को डिस्कार्ड कर देगा, इसलिए कर देगा क्योंकि उसके डीएफ जीरो है, और डीएफ जीरो का मतलब है डू नॉट फ्रेगमेंट, बच्चों क्लियर याद रखना। देखिए सॉरी, डू नॉट फ्रेगमेंट ये कह रहा है यस, मतलब इसका टुकड़ा मत करो, बच्चों क्लियर। अगर वन भरा हुआ है इसके अंदर डीएफ के अंदर तो टुकड़ा मत करो, और डीएफ के अंदर क्या भरा हुआ है जीरा जीरो तो टुकड़ा करो, बच्चों क्लियर। तो डीएफ के अंदर वन, डू नॉट फ्रेगमेंट यस, इसको ये कहते हैं यस, डू नॉट फ्रेगमेंट यस, इसका मतलब क्या हो गया कि टुकड़े मत करो, और डीएफ जीरो है तो टुकड़ा करो, बच्चों क्लियर। तो याद रखिए अगर किसी के डीएफ जीरो है तो बच्चों उसका टुकड़ा हो जाएगा, और डीएफ अगर वन है तो उसका आगे टुकड़ा नहीं होगा, तो बच्चों वो क्या होगा अगर राउटर की कैपेसिटी से ज्यादा है तो डिस्कार्ड हो जाएगा। एमएफ क्या होता है तो याद रखिए जब एक पैकेट के टुकड़े करते हैं, एक पैकेट एक पैकेट एक पैकेट एक पैकेट बहुत सारे टुकड़े कर देते हैं, ये लीजिए ये लीजिए ये लीजिए, तो बच्चों ये जाते हैं तो ये दूसरे पैकेट के बारे में बताता है कि मेरे बाद में भी बहुत सारे है, मेरे बाद में भी है, मेरे बाद में भी है, मेरे बाद में भी है, ताकि रीअसेंबल आसानी से हो जाए। और बच्चों जो लास्ट वाला है ये कह रहा है मोर फ्रेगमेंट, एमएफ का फुल फॉर्म क्या है, एमएफ की फुल फॉर्म है मोर फ्रेगमेंट, ये पॉइंट याद रखिए इसकी फुल फॉर्म क्या है मोर फ्रेगमेंट। अगर लास्ट वाले में एमएफ क्या होता है, एमएफ क्या होता है बच्चों जीरो, और अगर एमएफ वन होता तो कहता कि और फ्रेगमेंट है पीछे, और फ्रेगमेंट है पीछे, लेकिन एमएफ जीरो है, मोर फ्रेगमेंट जीरो नहीं है, इसका मतलब ये हो गया यही लास्ट है, या तो यही लास्ट है या केवल ये एक ही है, ये बताता है एमएफ जीरो। एक बार एक क्वेश्चन आया एमएफ जीरो है, बच्चों क्लियर, IPv4 के हेडर में एमएफ जीरो है, ये क्या बताता है, ये बताता है मोर फ्रेगमेंट नहीं है, या तो ये लास्ट फ्रेगमेंट है या इसके बाद कोई फ्रेगमेंट ही नहीं है, बच्चों क्लियर। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये भी बता सकता है कि ये केवल अकेला फ्रेगमेंट है, बच्चों क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी यहाँ के लिए एमएफ कितना होगा, वन होगा, क्योंकि इसके बाद किसी का नंबर आने वाला है, यहाँ पर भी एमएफ वन होगा, एमएफ वन होगा, यहाँ पर भी एमएफ वन होगा, और यहाँ पर भी क्या होगा एमएफ वन होगा, क्योंकि इसके बाद नंबर आने वाला है, बच्चों क्लियर। तो ये पॉइंट आपके समझ में आ जाना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन जीरो ये फ्यूचर रिजर्व के लिए है, ये बच्चों डू नॉट फ्रेगमेंट, ये मोर फ्रेगमेंट, ये फ्रेगमेंट ऑफसेट, वर्ड याद रखिए फ्रेगमेंट ऑफसेट, ये बताता है कि जब बहुत सारे पैकेट जाते हैं, बहुत सारे पैकेट जाएंगे, बच्चों याद रखना पैकेट तो एक ही था, लेकिन उस पैकेट के टुकड़े होते 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 बच्चों बहुत सारे बन गए, अब बहुत सारे जा रहे हैं तो उनको अरेंज करना, तो बच्चों याद रखना हर एक पैकेट के साथ हेडर तो जाएगा ही, हेडर तो लगेगा ही, कितने भी टुकड़े कर दो जब पैकेट बनेगा तो हेडर तो लगेगा ही, हेडर लगेगा तो सब में ऑफसेट सेट होगा ही, और ऑफसेट सेट होगा तो बच्चों ऑफसेट ये बताता है कि मेरे से पहले कितने गए, मेरे से पहले कितना बाइट गया, मेरे से पहले कितना बाइट गया, मेरे से पहले कितना बाइट गया, याद रखना ये 13 बिट का ही है, क्यों, क्योंकि 3 बिट यहां काम में ले ली, याद रखना ये 8 के मल्टीपल में चलता है, इसके मल्टीपल में 8, अगर मैं कह दूं फ्रेगमेंट ऑफसेट के अंदर कितना लिखा हुआ है 100, इसका मतलब 800 बाइट मेरे से पहले चले गई, बच्चों अगर यहाँ 100 लिखा है तो इसका मतलब 800 बाइट मेरे से पहले चले गई, याद रखिए 13 बिट में मैं क्या लिख सकता हूँ, 0000 से लगा के सारे 1111, तो याद रखिए कितना बाइट मेरे से पहले चला गया वो बताएगा, इनका प्रैक्टिकल मैं आपको करके बताऊंगा, और प्रैक्टिकल समझ गए, साइंटिफिक अप्रोच लगा दी, ब्रह्मांड का कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो, ये सारे का सारा IPv4 हेडर में आपको 10 मिनट में समझाने वाला हूं, सृष्टि का प्रत्येक क्वेश्चन आप कर सकते हो, क्लियर है बच्चों, याद रखिए वापस सुनिए, फ्रेगमेंट ऑफसेट क्या कहता है, फ्रेगमेंट ऑफसेट ये कहता है कि मैं मल्टीपल ऑफ 8 हूं, आप जितना भी लिखा उसको 8 से गुणा करके ये पता कर सकते हो कि मेरे से पहले कितना बाइट उस पैकेट की जा चुकी है, एक पैकेट के 10 टुकड़े किए गए सभी के अंदर ऑफसेट होगा, बच्चों लास्ट वाले के अंदर ऑफसेट कोई मायने नहीं रखता, क्यों मायने नहीं रखता ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक पॉइंट याद रखिए
कि ऑफसेट यह बताता है कि मेरे से पहले कितनी बाइट गई, मेरे से पहले कितनी बाइट गई, मेरे से पहले कितनी बाइट गई। ऑफसेट फील्ड के अंदर 100 लिखा है तो 100 × 8 मेरे से पहले 800 बाइट गई, 150 लिखा है 150 × 8 1200 बाइट गई। बच्चों क्लियर, ये पॉइंट आपके समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट चलिए टाइम टू लाइव, टाइम टू लाइव 8 बिट का है, यह भी याद रखना। ऑफसेट 13 बिट का है, वर्जन 4 बिट का है, लेंथ 4 बिट की है, बच्चों सर्विस 8 बिट की है। इसके अलावा टोटल लेंथ ऑफ पैकेट 16 बिट का है, ये पॉइंट क्लियर। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आइडेंटिफिकेशन 16 बिट का है, 0 रिजर्व बिट है, डीएफ बिट ये फ्लैग है, ये क्या है डू नॉट फ्रेगमेंट, एमएफ 1 बिट का है। बच्चों इसके अलावा ऑफसेट, जो ऑफसेट फ्रेगमेंट ऑफसेट है ये याद रखिए 13 बिट का है। क्यों? क्योंकि 3 बिट इधर दे दी, ये 13 बिट का है। ये सब बदलते रहते हैं, ये सब बदलते रहते हैं, ये सब बदलते रहते हैं, ये फिक्स होते हैं। टाइम टू लीव क्या है, ये भी बदलता रहता है। टीटीएल क्या होता है, बच्चों याद रखिए एक पैकेट कितने नोड से होके जाएगा। बच्चों क्लियर, मान लीजिए नोड 10 है तो टीटीएल हर बार एक एक कम होता चला जाएगा ताकि वो इनफाइनाइट लूप में नहीं फंसे। बच्चों क्लियर, अगर वो रिसीवर के पास पहुंच गया तो टीटीएल की वैल्यू 0 हो सकती है। बच्चों क्लियर, लेकिन उससे पहले ही अगर 0 हो गई इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, ये सेंडर है, ये क्या है रिसीवर है, और बच्चों ये मैक्सिमम कितने नोड के थ्रू यहाँ पर पहुंच सकता है। मैंने कह दिया 10, तो 10 नोड, बच्चों हर नोड पे पहुंचने पर ये एक एक कम होता चला जाएगा। बच्चों क्लियर, एक एक कम होता चला जाएगा। अब मान लीजिए ये यहाँ पर पहुंच गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बच्चों अगर ये लूप में फंस गया तो 7 के बाद 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर क्या हो जाएगा 0, लेकिन रिसीवर पे नहीं पहुंचा। तो जैसे ही यहाँ पर 0 होगा इंटरमीडिएट, क्योंकि लूप चल रहा है बार बार उसी नोड पे आ रहा है, तो बच्चों ये डिस्कार्ड हो जाएगा क्योंकि पैकेट लूप में फंस गया। तो लूप से फंसने से बचाने के लिए अपन टाइम टू लीव को यूज करते हैं। बच्चों क्लियर। नेक्स्ट चलिए प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल का मतलब है ये किस तरीके का सर्विस देगा। बच्चों याद रखिए कोई टीसीपी अगर है तो उसको होना ही होगा, यूडीपी है तो वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, टीसीपी है तो उसके लिए स्पेस बनाना ही पड़ेगा, किसको राउटर को, यूडीपी है तो स्पेस बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर टीसीपी है तो बच्चों सिक्योर तरीके से वो जाएगा ही, कोई इलाज ही नहीं है, और यूडीपी है नहीं जाएगा तो भी होगा। तो बच्चों ये देखता है कि टीसीपी पैकेट आ रहा है या यूडीपी आ रहा है, और राउटर पे अगर जगह नहीं है तो टीसीपी के लिए तो बनाना पड़ेगा, और यूडीपी के लिए बनाओ नहीं बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चों क्लियर, यहाँ पर आइए अगर मैं बात करूं हेडर चेकसम, हेडर चेकसम बच्चों याद रखना, ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है। IPv4 का हेडर चेकसम केवल IPv4 के हेडर के इंफॉर्मेशन को कैलकुलेट करता है, ताकि बच्चों वो बदले नहीं, वो एक राउटर से दूसरे राउटर पे जाने पर बदले नहीं, यानी उसके टुकड़े होने पर, फ्रेगमेंट होने पर वो बदले नहीं। अगर बदल जाता है बच्चों तो याद रखिए आपके किसी न किसी फील्ड में गड़बड़ है, और इसमें पार्टिसिपेट कौन करता है, तो IPv4 ही पार्टिसिपेट करता है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। बच्चों क्लियर, अभी मैं करके बताऊंगा सबके साथ। बच्चों सोर्स आईपी एड्रेस, ये जिसने भेजा उसका आईपी है 32 बिट का, और ये कितने जिसने लेना है उसका आईपी है 32 बिट का। और ऑप्शन में बच्चों बहुत सारी चीजें आती है, कर अभी अपन उनकी चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन याद रखिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पैडिंग। पैडिंग क्या होता है, कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि पैडिंग से आप क्या समझते हो, तो पैडिंग उन बाइट को कहते हैं जो बच्चों मान लो हेडर की लेंथ, पूरे के पूरे हेडर की लेंथ, ये जो पूरा हेडर है ना बच्चों, इसकी लेंथ मान लीजिए 28 बाइट है, कितने बाइट है 28, तो आप बताइए उसमें क्या लिखोगे, इसमें क्या लिखोगे। हो सकता है 20 बाइट तो होगा ही कम से कम, और 8 बाइट का आपका ऑप्शन फील्ड है, तो पैडिंग में क्या लिखोगे, तो 28 बाइट बच्चों के 4 से डिवाइड होती है, तो हेडर लेंथ में आप लिखोगे 7। बच्चों क्लियर, अगर यहाँ 28 बाइट है, रिपीट कर रहा हूं मैं, अगर हेडर की लेंथ 28 बाइट है तो बच्चों हेडर लेंथ में क्या लिखोगे, 7 लिखोगे, 0111, ठीक है। लेकिन अगर 29 बाइट है तो आप यहाँ लिख ही नहीं सकते, क्योंकि डिवाइड बाई 4 करके लिखना होता है। बच्चों क्लियर, डिवाइड बाई 4 तो नहीं कर सकते, तो बच्चों 3 बाइट आपकी पैडिंग यहाँ पर एक्स्ट्रा जोड़ दी जाती है ताकि 32 हो जाए। बच्चों क्लियर, 32 डिवाइड बाई 4 8, तो बच्चों ये बन जाएगा 1000। बच्चों क्लियर, ऐसे ही मैक्सिमम पैडिंग कितनी होती है 3 बाइट, और बच्चों मिनिमम कितनी होती है 1 बाइट। बच्चों क्लियर, याद रखिए मान लो 31 होता, 31 हेडर की साइज होती तो भी यहाँ नहीं भर सकते थे, तो 1 बाइट कम से कम पैडिंग बाइट लगानी होगी, पैडिंग बाइट एक्स्ट्रा बाइट जो बस आपको हेडर लेंथ को एक्चुअल बनाने के लिए काम में आती है। बच्चों क्लियर, तो ये मैंने पूरा समझा दिया, अब इसको अपन प्रैक्टिकल करके देखते हैं, प्रैक्टिकल किस तरीके से करना है। मान के चलिए आज में से आपके 10 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, क्लियर है। एक्स्ट्रा बाइट अटैच टू अचीव मिनिमम लेंथ, वेरी गुड। पैडिंग डम्बी डेटा, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, सभी बच्चों के बिल्कुल क्लियर है, सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। प्रोग्रामर देने जा रहे हो, नेटवर्किंग का पूरा पोस्टमार्टम करके जाओ, ऐसे डीबीएमएस का पोस्टमार्टम करने वाले हैं,
क्लियर है बच्चों? याद रखिए, ऑफलाइन क्लासेज में पोस्टमार्टम स्टार्ट हो चुके हैं, ऑनलाइन में भी हो जाएगा या ठीक है। उसके बाद जावा लेंगे, उसके बाद सेड लेंगे, 28 सितंबर तक लगभग सबका पोस्टमार्टम कर चुके होंगे। यहाँ पर आइए, ये सारी चीजें आपके सन में आई गया, पहले वर्जन, फिर हेडर लाइन, फिर बच्चों सर्विस, फिर बच्चों पैकेट की लाइन, फिर बच्चों आइडेंटिफिकेशन, फिर जीरो, फिर डीएफ, फिर एमएफ, फिर बच्चों आपका फ्रेगमेंट ऑफसेट, फिर टाइम टू लिव, फिर प्रोटोकॉल 8 बिट, फिर हेडर चेकसम, फिर आईपी एड्रेस। ये हो गया कितना बच्चों, 20 बाइट। और फिर बच्चों ये 40 बाइट का ऑप्शन फील्ड है। ये जरूरी नहीं है कि 40 का 40 यूज आए, कितना भी यूज आ सकता है। अगर मान लो ऐसी लेंथ बन रही है जो 4 बिट में रिप्रेजेंट नहीं की जा सके, बच्चों सबको पता है जितनी भी लेंथ हो 4 से डिवाइड होनी चाहिए, अगर नहीं हो रही तो पैडिंग जोड़ेंगे, और पैडिंग बिट भी किसके अंदर होती है, ऑप्शन फील्ड के अंदर होती है। क्या ये क्लियर है? एक बार कमेंट कर दो कि सर हाँ पूरा समझ में आ गया। मिनिमम हेडर 20 बाइट का तो होगा ही, अगर 21 का हो गया तो डिवाइड बाई 4 होगा नहीं। हेडर लेंथ में क्या डाले, नहीं डाल सकते पॉइंट में। हेडर लेंथ एक इंटीजर वैल्यू होती है, तो बच्चों 20 से बड़ी अगर 21 का अगर आपका हेडर है तो बच्चों 3 बाइट आपको जोड़नी है, 24 करेंगे और 6 डालेंगे। बच्चों क्लियर? यहां तक सबके समझ में आ गया होगा क्या बता रहा हूं मैं? पैकेट का पूरा नेटवर्किंग लेयर की पूरी प्रोसेसिंग समझा रहा हूं। नेटवर्किंग लेयर कैसे काम करती है, क्या होता है आईपी हेडर, क्या होता है डेटा, क्या होता है आईपी हेडर की साइज, क्या होती है डेटा की साइज, क्या होती है पैकेट की साइज, कैसे कैसे फील्ड होते हैं, कैसे कैसे काम करते हैं, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इतने बच्चे देख रहे हैं लेकिन लाइक बहुत कम आए, लाइक बहुत, अरे दीवाने हो जाओगे जिस दिन। मैं आपको फिर गारंटी दे रहा हूं, जिसने एक बार क्लास देख ली अंबिका क्लासेज की, वो किसी से पढ़ ही नहीं सकता बच्चों। ये मैं आपको वादा कर रहा हूं, नौकरी लेना है एप्लीकेशन पे चले जाओ, 250 वीडियो है, तुरंत देख लीजिए और नौकरी ले लीजिए। समझ में आ गया बच्चों? ये आपको मैं पढ़ा रहा हूं, चलो ठीक है, अच्छी बात है, सब कुछ मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूं, लेकिन क्वालिटी चाहिए आपको तो एप्लीकेशन पे निकलना पड़ेगा आपको। क्लियर? जितने भी बच्चे हैं चलिए करें स्टार्ट। अब यहां पर आ जाइए, अब बच्चों अपन एक एक क्वेश्चन को समझते हैं, एक एक क्वेश्चन के बारे में विचार करते हैं, ऑप्शन फील्ड में क्या होगा, इनसे रिलेटेड कितने क्वेश्चन बने उनको अपन एक बार चेक कर लेते हैं, तो अपने पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं 8 से 10 क्वेश्चन एक बार आपको समझा देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द IPv4 हेडर, IPv4 हेडर के बारे में क्या सही नहीं है बच्चों? क्लियर? क्या सही नहीं है, याद रखिए क्या सही नहीं है। तो एक बार इस पूरे को देख लेते हैं अपन, एक बार इसको देखने के बाद अपन चलेंगे किसके ऊपर, कि नेटवर्किंग लेयर काम कैसे करती है, फ्रेगमेंटेशन कैसे होता है, कैसे ये IPv4 का जो हेडर है ये मेंटेन होता है, कैसे वैल्यू बदलती है, कैसे न्यूमेरिकल आ सकते हैं, उन सब की चर्चा करेंगे। लेकिन क्लियर है बच्चों? एक बार आप इसको देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट IPv4 हेडर, ठीक है? द IPv4 हेडर इंक्लूड ए वर्जन फील्ड डेट स्पेसिफाई द आईपी प्रोटोकॉल वर्जन, बिल्कुल सही है। कितने वर्जन है? बहुत सारे। फेमस कौन से हुए? दो, IPv4 एंड IPv6। तो 4 के लिए क्या डालेंगे? 0100, 6 के लिए 0110। क्लियर? नेक्स्ट चलिए, द IPv4 हेडर इज फिक्स्ड एट 20 बाइट इन लेंथ, गलत है बच्चों, साइज फिक्स नहीं है, 20 से लगा के IPv4 हेडर इज फिक्स्ड एट 20 बाइट इन लेंथ, गलत है। हेडर बच्चों 20 से लगा के 60 बाइट तक हो सकता है बच्चों। क्लियर? 20 बाइट के अंदर वो 5 फील्ड होंगे, शुरू के 5 फील्ड, याद रखिए शुरू के 5 फील्ड, 1 2 3 4 5, ये जरूर होते हैं, और ये जो है ना बच्चों ये वाली है, ये ऑप्शनल होता है बच्चों। क्लियर? नेक्स्ट चलिए, द IPv4 हेडर कंटेंट्स ए टाइम टू TTL फील्ड, बिल्कुल सही है। द IPv4 हेडर इंक्लूड ए चेकसम फील्ड फॉर एरर डिटेक्शन, बिल्कुल सही है। लेकिन ये किसका एरर डिटेक्शन करता है? केवल हेडर का, नो डेटा का, केवल हेडर ही, हेडर की इंफॉर्मेशन को ही चेक करता है कि हेडर की इंफॉर्मेशन तो नहीं बदली। बच्चों याद रखना TCP हेडर में अलग चीज है, TCP हेडर में जो चेकसम होता है ना बच्चों वो डेटा को भी शामिल करता है, यहाँ पर ये डेटा को शामिल नहीं करता। बच्चे बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर IPv4 में डेटा को शामिल करता है, नहीं, ये केवल हेडर की इंफॉर्मेशन को रखता है। क्लियर? अगर आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है कमेंट ठोक दो फटाफट, हाँ सर क्लियर है। मेरे को पता है इस क्लास में वही रुक सकता है जो थोड़ा जबरदस्त वाला बच्चा हो, हर एक बच्चा इस क्लास में नहीं रुक सकता बच्चों, और वो लास्ट तक रुक जाएगा तो मान के चलिए पूरी नेटवर्क लेयर आपका खत्म। कोई ये कह दे नेटवर्किंग पढ़ा दो, नेटवर्किंग लेयर में 7 लेयर है, नेटवर्क के अंदर 7 लेयर है, पूरा पढ़ लो विद न्यूमेरिकल, पूरी नेटवर्किंग खत्म हो जाती है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर क्लियर है तो कमेंट करते रहिएगा। नेक्स्ट चलिए, सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट IPv4 हेडर लेंथ, हेडर लेंथ फील्ड, बच्चों क्लियर?
हैडर लेंथ फील्ड, हैडर लेंथ फील्ड। अब एक बार बताइए, हैडर लेंथ फील्ड की बात करें तो इसके बारे में क्या सही नहीं है बच्चों, क्लियर? तो आप बताइए हैडर लेंथ फील्ड ये है बच्चों, पूरा पैकेट की लेंथ ये है बच्चों, कितना डेटा गया वो ये है, प्रत्येक फ्रेम पैकेट से पहले कितना डेटा गया, अगर उस पैकेट के कोई टुकड़े हुए हैं तो बच्चों ये फ्रेगमेंट के अंदर बदलता रहता है कि उससे पहले कितना डेटा गया, क्लियर? चलिए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं बच्चों। तीन तरीके की लेंथ है, ऑफसेट लेंथ बच्चों, क्लियर? ऑफसेट फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट लेंथ बच्चों, हेडर लेंथ और बच्चों टोटल पैकेट की लेंथ, ये तीन फील्ड अलग अलग है, याद रखिए जो पूछे वो बताना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द IPv4 हेडर लेंथ फील्ड, हेडर लेंथ फील्ड। तो चलिए द आईपीवी सबको पता है कहां से कहां तक भरी जाएगी, तो बच्चों 5 से लगा के 15 तक भरी जाएगी, मल्टीपल किसका होता है 4 का होता है बच्चों, क्लियर? 20 बाइट से लगा के बच्चों कितना होता है 60 बाइट, ठीक है? तो द IPv4 हेडर लेंथ फील्ड इज 4 बिट लॉन्ग, बिल्कुल सही है। द IPv4 हेडर लेंथ फील्ड स्पेसिफाइज द लेंथ ऑफ द IPv4 हेडर इन 32 बिट वर्ड बच्चों, क्लियर? तो ये भी बिल्कुल सही है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। क्या कहना चाह रहा है, द IPv4 हेडर लेंथ फील्ड, क्लियर, स्पेसिफाई द लेंथ ऑफ द IPv4 हेडर इन 32 बिट वर्ड बच्चों, क्लियर? तो याद रखना बच्चों ये बाइट बनाता है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, क्या बनाता है बाइट। अब बाइट बनाता है तो एक बार बताइए आप, बताइए ये क्या है, तो ये कितनी बाइट है बच्चों, 32 बिट है 4 बाइट है, 4 से गुणा क्यों किया, ये 4 बाइट है, तो 4 बाइट का मतलब 32 बिट बच्चों, क्लियर? यानी जो फील्ड है ना बच्चों, ये 4 से गुणा होता है, ये 32 बिट में कन्वर्ट करना है, तो ये बाइट में आता है और बिट से गुणा करना है तो 32 बिट। तो ये यही कह रहा है कि जो फील्ड में डेटा है वो 32 से गुणा होता है, 32 से गुणा होता है और बिट में कन्वर्ट हो जाता है, तुमको कोई बात नहीं, बाइट के लिए 4 से गुणा करना। द IPv4 हेडर लेंथ फील्ड स्पेसिफाई द लेंथ ऑफ द IPv4 हेडर इन 32 बिट वर्ड, याद रखना जो भी इसमें डेटा लगा रखा है वो 32 बिट से गुणा होता है ताकि वो साइज को रिप्रेजेंट कर सके, बिल्कुल सही है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ द IPv4 हेडर लेंथ फील्ड इज 5, बिल्कुल सही है बच्चों, कितनी है 5। नेक्स्ट चलिए, द IPv4 हेडर लेंथ फील्ड कैन रिप्रेजेंट ए मैक्सिमम हेडर लेंथ ऑफ 64 बाइट, ये बिल्कुल गलत है, इसकी जगह कितना आना चाहिए 60 बाइट बच्चों, क्लियर? हेडर 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 लेंथ फील्ड कैन बी रिप्रेजेंट ए मैक्सिमम हेडर लेंथ ऑफ 60 बाइट, याद रखना ये फील्ड मैक्सिमम 60 बाइट तक को रिप्रेजेंट कर सकता है बच्चों, ये फील्ड मिनिमम वैल्यू क्या भर सकते हो 5 बच्चों, 5 इसको कहते हैं। और ये कह रहा है कि जो भी वहां पर हेडर लेंथ डाली रखी है वो 32 बिट से गुणा होने के बाद बच्चों कितनी साइज है उसको रिप्रेजेंट करता है, क्लियर? तो या तो 4 बाइट बोल दो, 4 बाइट से गुणा होता है, या फिर 32 बिट से गुणा होता है, एक ही बात है बच्चों, आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। मेरे हिसाब से सेकंड क्वेश्चन भी आपके क्लियर हो गया होगा, IPv4 हेडर से रिलेटेड। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो बताइए, कमेंट करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, फैलाते रहिएगा इस वीडियो को। ये मेरे को बच्चों ज्यादा फोन में नहीं आता है ना, तो आप समझ जाया करो कि ठीक है यार गुरुजी ये कह रहे हैं, फैला दीजिए वीडियो को, क्लियर? नेक्स्ट चलिए, अगला क्वेश्चन के ऊपर आप आइए, क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू अबाउट द QoS क्वालिटी ऑफ सर्विस फील्ड इन द IPv4, ठीक है? द QoS फील्ड इज ऑल्सो नोन एज द टाइप ऑफ सर्विस बच्चों, क्लियर? ये बिल्कुल सही है, ये 8 बिट का फील्ड होता है, ये भी बिल्कुल सही है। द QoS फील्ड इज यूज टू स्पेसिफाई द प्रायोरिटी लेवल ऑफ द पैकेट, ये बिल्कुल गलत है, प्रायोरिटी लेवल नहीं बताता, पैकेट की प्रायोरिटी लेवल को नहीं बताता है। द QoS फील्ड इज IPv4 ऑलवेज यूज्ड बाय राउटर टू डिटरमाइन द बेस्ट पाथ फॉर पैकेट फॉरवर्डिंग, ये भी गलत है बच्चों, क्लियर? अब इसमें से एक चीज समझना, द QoS फील्ड इन IPv4 ऑलवेज यूज्ड बाय राउटर्स टू डिटरमाइन द बेस्ट पाथ फॉर पैकेट फॉरवर्डिंग, तो ये भी बिल्कुल गलत है बच्चों, क्लियर? तो ये भी बिल्कुल गलत है। अब इनमें से देखिए, दोनों गलत में से आपको बेस्ट आंसर देना है। देखिए, द QoS फील्ड इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द प्रायोरिटी लेवल ऑफ द पैकेट, ठीक है, अपन इसको ज्यादा महत्व दे सकते हैं, ये बताएगा कि किस तरीके की सर्विस है बच्चों, क्लियर? अगर इंटरप्ट सर्विस है तो उसको पहले हैंडल करेंगे, TCP सर्विस है तो उसको पहले हैंडल करेंगे बच्चों, क्लियर? तो ये भी बिल्कुल सही है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। हो सकता है अपन को पूरा नॉलेज नहीं हो, लेकिन ये तो अपन को पता चली गया क्वालिटी ऑफ सर्विस बच्चों, क्लियर, कि कौन सी सर्विस को पहले महत्व देगा, कौन सी सर्विस को पहले हैंडल करेगा, क्लियर है बच्चों? फर्स्ट 3 बिट यूज फॉर प्रेफरेंस, वेरी गुड निशांत, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following is not true about the identification field in the IPv4 header?
आइडेंटिफिकेशन फील्ड इसलिए जरूरी है, जब किसी पैकेट को छोटे छोटे फ्रेगमेंट में बांटा जाता है, तो बच्चों याद रखिए जो पैकेट का आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है वही सभी फ्रेगमेंट का आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, ताकि ये पता चल जाए कि ये फ्रेगमेंट कौन से पैकेट से रिलेटेड थे, ताकि उनको रीअसेंबल करने में फायदा रहे। बच्चों क्लियर? द आइडेंटिफिकेशन फील्ड इज 16 बिट लॉन्ग, सही है। द आइडेंटिफिकेशन फील्ड इज यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई इच आईपी पैकेट। बच्चों क्लियर? ठीक है, देखते हैं अभी आगे। द आइडेंटिफिकेशन फील्ड रिमेन द सेम अक्रॉस ऑल फ्रेगमेंट ऑफ ए डेटाग्राम, बिल्कुल सही है। द आइडेंटिफिकेशन फील्ड इज यूज टू इंडिकेट द प्रायोरिटी ऑफ ए पैकेट, ये बिल्कुल गलत है। बच्चों क्लियर? तो अपन को मिल गया है ना बच्चों, सारे ऑप्शन समझ में आए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन द आइडेंटिफिकेशन फील्ड इज यूज टू इंडिकेट द प्रायोरिटी ऑफ ए पैकेट, ये बिल्कुल गलत है। द आइडेंटिफिकेशन फील्ड इज यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई इच आईपी पैकेट, ठीक है भाई, ये इस पैकेट के ही मेंबर है, ये फ्रेगमेंट जितने भी आ रहे हैं वो इसी पैकेट से रिलेटेड है। बच्चों क्लियर? तो ये पता चल जाएगा कि ये आईपी पैकेट ये बनेगा। बच्चों क्लियर? जिनका आइडेंटिफिकेशन सेम है वो मर्ज होके एक आईपी पैकेट बना देंगे, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा बच्चों? डी, इसका प्रायोरिटी से कोई लेना देना नहीं है। बच्चों क्लियर? चलिए आगे बढ़ते जाइए, यहां तक समझ में आ गया होगा। रीफ्रेगमेंटेशन, वेरी गुड महिमा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलिए, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द डीएफ डोंट फ्रेगमेंट फील्ड इन द आईपी बिफोर हेडर। बच्चों क्या गलत है डीएफ के लिए? ये मैंने वो 600 क्वेश्चन बनाए थे बच्चों, क्लियर, हर एक टॉपिक से रिलेटेड 600 क्वेश्चन बनाए थे, उन्हीं में से लिए, क्लियर, इनको जरूर देख के जाइएगा। आगे बढ़िए, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द डीएफ फील्ड इन द आईपी बिफोर हेडर, ठीक है। द डीएफ फील्ड इज यूज टू इंडिकेट दैट द पैकेट शुड नॉट बी फ्रेगमेंटेड। बच्चों क्लियर? द डीएफ फील्ड इज यूज टू इंडिकेट दैट द पैकेट शुड नॉट बी फ्रेगमेंटेड। बच्चों ये बताता है, सही बात है, डीएफ फील्ड से अपन को पता चल जाता है, डीएफ अगर 1 है तो डू नॉट फ्रेगमेंट, इसका मतलब अगर वो 1 है तो इसका मतलब ये है कि आप उसको फ्रेगमेंट नहीं कर सकते, अगर 0 है तो आगे जाके उसको फ्रेगमेंट कर सकते हो, लेकिन ऐसे ही मत करना, पहले ये देख लेना जिस राउटर के ऊपर वो जा रहा है। बच्चों क्लियर? वो राउटर फ्रेगमेंट करेगा, जो इंटरमीडिएट राउटर है वो फ्रेगमेंट करेंगे, आप नहीं करने वाले कुछ भी, जो इंटरमीडिएट राउटर है वो फ्रेगमेंट करेंगे। बच्चों क्लियर? तो चलिए इस लाइन को पढ़िए सेकंड को, इफ द डीएफ फील्ड इज सेट एंड द पैकेट एग्जिट द मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट एमटीयू ऑफ द नेक्स्ट हॉप द पैकेट विल बी फ्रेगमेंटेड। तो बच्चों ये बिल्कुल गलत है, सेट का मतलब क्या होता है 1, तो बच्चों डीएफ अगर 1 है, और बच्चों याद रखिए एमटीयू ज्यादा है, तो एमटीयू ज्यादा है, तो बच्चों देखिए इफ द डीएफ फील्ड इज सेट एंड द पैकेट एग्जिट द मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट ऑफ द नेक्स्ट हॉप द पैकेट विल बी फ्रेगमेंट। बच्चों याद रखिए अगर सेट कर रखा है तो आपने बोल रखा डू नॉट फ्रेगमेंट, और बच्चों अगर इसको सेट कर रखा है, सेट मतलब 1 कर रखा है, तो बच्चों ये डिस्कार्ड हो जाएगा, ये फ्रेगमेंट नहीं होगा। बच्चों क्लियर? इफ द डीएफ फील्ड इज सेट, बच्चों सेट का मतलब 1 एंड डू नॉट फ्रेगमेंट एंड द पैकेट एग्जिस्ट द एमटीयू द पैकेट विल बी ड्रॉप्ड, ये बिल्कुल सही है, एंड एन आईसीएमपी फ्रेगमेंटेशन नीडेड मैसेज विल बी सेंट बैक। बच्चों क्लियर? किसके पास? रिसीवर के पास, कि भाई रिसीवर डीएफ 0 की जगह 1 करके, सॉरी 1 की जगह 0 करके भेज, क्यों? क्योंकि अगर तुमने 1 कर दिया तो आपने सेट कर दिया कि डू नॉट फ्रेगमेंट सेट टू 1, बच्चों सेट का मतलब होता है 1, बच्चों अगर 1 कर दिया, डू नॉट फ्रेगमेंट 1 कर दिया, इसका मतलब वो फ्रेगमेंट नहीं होगा, डिस्कार्ड हो जाएगा, आईसीएमपी पैकेज जाएगा कि बच्चों आपका जो फ्रेगमेंट है वो खत्म हो गया इस राउटर पे, रिसीवर को बोलेगा, रिसीवर वापस भेज, लेकिन याद रखना डीएफ फ्रेगमेंट 0 करके भेज। बच्चों क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, द डीएफ फील्ड कैन बी यूज इन पाथ एमटीयू डिस्कवरी टू डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट एमटीयू अलोंग द पाथ फ्रॉम द सोर्स टू द डेस्टिनेशन। बच्चों क्लियर? पढ़ते हैं, द डीएफ फील्ड कैन बी यूज इन पाथ एमटीयू डिस्कवरी टू डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट एमटीयू अलोंग द पाथ फ्रॉम द सोर्स टू द डेस्टिनेशन। बच्चों क्या ये काम करता है डीएफ फील्ड? ये काम करता है, द डीएफ फील्ड कैन बी यूज इन पाथ MTU discovery to determine the smallest MTU along the path from the source to the destination, ये काम नहीं करता। बच्चों क्लियर? अब यहाँ पर आ जाइए, if the DF field is set and the packet exists the maximum transmission unit of the next stop, the packet will be fragmented. इसको ये कर लो, not set, if the DF field is set to zero, क्लियर है बच्चों? सेट टू जीरो कर लो, फिर ये भी सही हो जाएगा, क्योंकि डी काम तो बिल्कुल ही नहीं करता। डीएफ का काम केवल इतना है फ्रेगमेंट करूं या नहीं करूं, डीएफ का काम केवल इतना है फ्रेगमेंट करूं या नहीं करूं। बच्चों क्लियर? ये क्वेश्चन गलत बन गया। यहां पर आपको करना है, इफ द डीएफ फील्ड इज सेट टू जीरो एंड द पैकेट एग्जिस्ट द मैक्सिमम
transmission unit of the next hop, the packet will be fragment. If the DF field is set to 1, bacho clear set to 1 and the packet exists the MTU, तो ये पॉइंट सही है, ये पॉइंट सही है और ये पॉइंट भी सही है. इस पॉइंट में दिक्कत है. द डीएफ फील्ड कैन बी यूज इन पाथ एमटीयू डिस्कवरी टू डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट एमटीयू अलोंग द पाथ फ्रॉम द सोर्स टू द डेस्टिनेशन. बच्चों इसमें ये भी सही हो सकता है क्योंकि इसको आपको समझना होगा क्वेश्चन को. द डीएफ फील्ड कैन बी यूज इन पाथ एमटीयू डिस्कवरी, बच्चों एमटीयू डिस्कवरी टू डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट एमटीयू अलोंग द पाथ फ्रॉम द सोर्स टू द डेस्टिनेशन. बच्चों डीएफ, लेकिन ये चीज सही नहीं है, थोड़ी सही नहीं है, लेकिन ये चीज तो आपके सन में आई गई, इसको और रिसर्च करके देख लेना आप. ये चीज तो आपके सन में आ गई कि डीएफ का मतलब होता है डू नॉट फ्रेगमेंट. बच्चों क्लियर. अगर मैं यहाँ पर कर दू सेट जीरो तो इसका मतलब आप टुकड़े करो, और सेट वन कर दू तो इसका मतलब आप डिस्कार्ड करो. लेकिन याद रखिए टुकड़े कब करने, जब नेक्स्ट जो राउटर आ रहा है बच्चों उसकी एमटीयू है वो पैकेट से क्या होगी बच्चों, कम होगी. बच्चों क्लियर. मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट पैकेट से कम होगी. तो बच्चों याद रखना पैकेट बड़ा है और पैकेट जब बड़ा है तो उसको तोड़ा जाएगा. बच्चों क्लियर. तो ये लाइन में थोड़ी दिक्कत है, इसको और चेक कर लेंगे. यहां तक तो क्लियर आ गया. नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द एमएफ मोर फील्ड इन द IPV4. तो याद रखिए एमएफ का मतलब क्या होता है, मोर फ्रेगमेंट. मोर फ्रेगमेंट का मतलब क्या है, एमएफ फील्ड इज 1 बिट फ्लैग. बिल्कुल. इफ द एमएफ फील्ड इज सेट टू 0, इसका मतलब है मोर, देखिए एमएफ क्या हो जाएगा, एमएफ 0 है, इसका मतलब मोर फ्रेगमेंट. मोर फ्रेगमेंट अगर 1 है तो सेट हो गया, मोर फ्रेगमेंट तो इसका मतलब और आ रहे हैं, और 0 है तो यही लास्ट है. इफ द एमएफ फील्ड इज सेट टू 0 इट मींस दैट दिस इज द लास्ट फ्रेगमेंट. बिल्कुल सही है. इफ द एमएफ फील्ड इज सेट टू 1 इट इंडिकेट दैट दिस इज द ओनली फ्रेगमेंट ऑफ द पैकेट. बिल्कुल गलत है. द एमएफ फील्ड हेल्प्स इन द रीअसेंबली ऑफ द फ्रेगमेंटेड पैकेट. बिल्कुल सही है. बच्चों क्लियर. इसका आंसर क्या हो जाएगा सी. वो एक क्वेश्चन को देख लेंगे, वापस देख लेंगे, टाइम वेस्ट होगा इसलिए मैंने इसको छोड़ा है. नेक्स्ट यहां पर आइए इस क्वेश्चन को पढ़िए. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द IPV4 हेडर ऑफसेट फील्ड. अब बच्चों हेडर ऑफसेट फील्ड क्या बताता है, कि इससे पहले कितनी बिट गई, इससे पहले कितनी बिट गई. क्लियर है. सो इन ऑप्शन बी और डी निशांत, उसको वापस देख लेंगे उस क्वेश्चन को, उसको अभी रोक दो क्योंकि टाइम निकल रहा है अपना, अपन को क्लास 1 घंटे में खत्म करनी होती है. क्लियर है. नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द IPV4 हेडर ऑफसेट फील्ड. बच्चों क्लियर. तो एक बार बताइए ऑफसेट फील्ड के लिए क्या सही है क्या गलत है. इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ द फ्रेगमेंट डेटा इन द ओरिजिनल डेटाग्राम. बिल्कुल. बच्चों क्लियर. तो ये बताता था कि मेरे से पहले इतने, मैं तो इतने के बाद हूं, मेरे से पहले इतनी बाइट जा चुकी है. याद रखिए आज के मल्टीपल के अंदर वो क्या रखता है, याद रखिए स्केल रखता है. इट इज 13 बिट फील्ड. बिल्कुल सही. इंडिकेट द फ्रेगमेंट ऑफसेट यूनिट ऑफ 8 बाइट. ये बिल्कुल सही है. इट अलाउ फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द ओरिजिनल डेटाग्राम बाय प्रोवाइडिंग द ऑर्डर ऑफ फ्रेगमेंट. बिल्कुल सही है. बच्चों क्लियर. इट कैन बी यूज टू डिटरमाइन द टोटल लेंथ ऑफ द ओरिजिनल डेटाग्राम. तो बच्चों ये बिल्कुल गलत है. बच्चों ये इसका काम नहीं है, ये इसका काम नहीं है. इट कैन बी, ये तो ये बताता मेरे से पहले इतना गया, मेरे से पहले इतना गया, मेरे से पहले इतना गया. इट कैन बी यूज टू डिटरमाइन द टोटल लेंथ ऑफ द ओरिजिनल डेटाग्राम. ये गलत है बच्चों. ये अगर ये चीज है तो ये चीज तो किसके लिए है, ये चीज इसके लिए है. कौन से, ये 16 बिट जो सबसे ऊपर की 16 बिट है टोटल लेंथ, उसके लिए है. बच्चों क्लियर. कि डेटाग्राम कितनी साइज का है ये उसके लिए है. बच्चों क्लियर. तो ये पॉइंट भी आपके सन में आ जाना चाहिए. नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं. इस क्वेश्चन को देखिए. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द TTL फील्ड इन एन IPV4 हेडर. IPV4 हेडर में जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब आ चुके हैं यहाँ पर, इनको तैयार कीजिए. बच्चों TTL, द TTL फील्ड इज यूज्ड टू प्रिवेंट पैकेट फ्रॉम सर्कुलेटिंग इनडेफिनेटली इन द नेटवर्क. ये बिल्कुल सही है, यही इसकी डेफिनेशन है. द TTL फील्ड इज डिक्रीमेंट बाई इच राउटर दैट प्रोसीड द पैकेट. बिल्कुल सही है. The TTL field is used to determine the maximum numbers of hop a packet can make before being discarded. तो ये भी बिल्कुल सही है. The TTL field is used to measure the total time a packet spent in transit across the network. ये बिल्कुल गलत है. वो ये कह रहा है कि भाई कितने hop के ऊपर ये गया है. बच्चों क्लियर. इतने hop तक वो पहुंच जाना चाहिए. मान लीजिए मेरे को पता है 100 hop तक वो पहुंच जाना चाहिए, तो TTL में मैंने 100 लिखा. अब अगर वो 100 तक नहीं पहुंचा तो वो इनफाइनाइट लूप में फंस गया. बच्चों सब पता है कि यहां से वहां तक जाने के लिए 200 राउटर से गुजरना है, तो TTL फील्ड 200 बना दो. अब 200
एक एक कम करते जाइएगा, अगर वो इनफाइनाइट लूप में फंस गया तो बच्चों बीच में कहीं जीरो हो जाएगा। रिसीवर पे जीरो मतलब एक्सेप्टेड और बीच में जीरो मतलब रिजेक्टेड। क्लियर? तो ये पॉइंट भी आपके समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर है बच्चों? तो डी पॉइंट, ये पॉइंट याद रखना, टीटीएल कितने बिट का है? 8 बिट का है बच्चों। क्लियर? टीटीएल कितने बिट का है? 8 बिट का है बच्चों। क्लियर? टीटीएल की फुल फॉर्म क्या है? टाइम टू लिव। ये क्या बताता है कि कितने होप से आपका पैकेट जा रहा है और हर होप पे एक वैल्यू कम होती चले जाएगी। रिसीवर पे पहुंचते पहुंचते अगर जीरो हो गया तो ठीक है, स्वीकार हो जाएगा, लेकिन अगर बीच में जीरो हो गया तो रिजेक्ट हो जाएगा। फिर क्या होगा? इसका मतलब लूप में फंस गया। कैसे पता चला? इसलिए पता चला क्योंकि मेरे को पहले से ही पता था राउटिंग टेबल के थ्रू कि इतने राउटर से मेरा पैकेट जाएगा। अब जब राउटिंग टेबल मैंने आपको पढ़ा दी तो सब कुछ पहले ही राउटर डिसाइड कर लेते हैं कि इतने राउटर से मेरा पैकेट जाएगा। 200 राउटर से अगर मेरा पैकेट जाएगा तो बच्चों टीटीएल की वैल्यू 200 लेंगे और हर राउटर पे एक वैल्यू कम करते चलेंगे। क्लियर? तो ये पॉइंट भी आपके समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर? इसको देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द IPv4 हेडर प्रोटोकॉल फील्ड। प्रोटोकॉल ये बताता है कौन सी सर्विस है बच्चों, किस सर्विस को पहले महत्व दो बच्चों। क्लियर? ICMP प्रोटोकॉल है, IGMP प्रोटोकॉल है, TCP प्रोटोकॉल है, UDP प्रोटोकॉल है। कौन सी सर्विस पहले आएगी, कौन सी सर्विस बाद में आएगी? अगर राउटर पे पहले से ही सब कुछ भरा हुआ है, फुल भरा हुआ है, रिसोर्सेज फ्री नहीं है तो बच्चों यूडीपी को बाहर निकालेंगे, टीसीपी को अंदर डालेंगे। क्लियर? तो ये याद रखिए, ये काम करता है कौन प्रोटोकॉल। द प्रोटोकॉल फील्ड स्पेसिफाई द नेक्स्ट लेवल प्रोटोकॉल यूज इन डेटा पोर्शन ऑफ द डेटाग्राम। सही है। द प्रोटोकॉल फील्ड इज 8-bit साइज। बिल्कुल सही है। द प्रोटोकॉल फील्ड इज यूज टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ द IPv4 पैकेट। ठीक है। कॉमन वैल्यू फॉर द प्रोटोकॉल फील्ड इंक्लूड 6 फॉर TCP एंड 17 फॉर UDP। ये भी बिल्कुल सही है बच्चों। क्लियर? अब यहाँ पर आइए, द प्रोटोकॉल फील्ड इज यूज टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ द IPv4 पैकेट। IPv4 पैकेट, टाइप ऑफ द IPv4 पैकेट ये नहीं है बच्चों। क्लियर? देखिए ये क्या क्या बता रहा है। कॉमन वैल्यू फॉर द प्रोटोकॉल फील्ड इंक्लूड 6 फॉर TCP एंड 17 फॉर UDP। ठीक है। द प्रोटोकॉल फील्ड इज 8-bit इन साइज। ये भी बिल्कुल सही है। द प्रोटोकॉल फील्ड स्पेसिफाई द नेक्स्ट लेवल प्रोटोकॉल यूज इन द डेटा पोर्शन ऑफ द डेटाग्राम। कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज किया गया है बच्चों। क्लियर? द प्रोटोकॉल फील्ड इज यूज टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ द IPv4 पैकेट। तो IPv4 पैकेट का टाइप क्या है ये नहीं बताता बच्चों। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया होगा बच्चों। ये क्या बताता है? ये बताता है कि कौन सा प्रोटोकॉल है बच्चों। क्लियर? एक बार बताइए, यहां पर अगर कोई पैकेट पहुंचा और बच्चों मान लो ये TCP पैकेट पहुंचा और यहाँ पर 3 पैकेट भरे हैं और ये तीनों क्या है UDP, इसके लिए जगह नहीं है तो बच्चों क्या होगा? जैसे ही TCP पहुंचेगा बच्चों, क्लियर, तो TCP का वो डेटा देखेगा कितना है बच्चों, 6 TCP पहुंचा, UDP को बाहर कर देगा। ठीक है, क्योंकि ये सर्विस दो या नहीं दो कोई फर्क नहीं पड़ता, TCP सर्विस आपको देनी ही पड़ेगी। क्लियर? तो ये पॉइंट भी आपके समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द IPv4 हेडर ऑप्शन। हेडर ऑप्शन, ऑप्शन फील्ड के लिए क्या सही है? द ऑप्शन फील्ड इन IPv4 हेडर इज ऑप्शनल। ठीक है। द ऑप्शन फील्ड कैन वेरी इन लेंथ। बिल्कुल बच्चों, 0 byte से लगा के 40 byte तक कुछ भी हो सकता है। द ऑप्शनल फील्ड इज ऑफ फिक्स्ड लेंथ एंड डजंट चेंज। गलत है। द ऑप्शन फील्ड कैन इंक्लूड सिक्योरिटी एंड टाइम स्टाम्प डेटा। तो बच्चों इसमें सिक्योरिटी, टाइम स्टाम्प डेटा, पेडिंग, ये सारे के सारे ऑप्शनल फील्ड में जोड़े जाते हैं। क्लियर? तो ये पॉइंट अगर आपके समझ में आ गया तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चों, हेडर ऑप्शन फील्ड। ठीक है, इसके लिए अपन एक बार और पढ़ लेते हैं। द ऑप्शन फील्ड इज यूज्ड फॉर एडिंग एडिशनल फीचर बियॉन्ड द स्टैंडर्ड IPv4 हेडर, जो 20 बाइट है, उसके अलावा एक्स्ट्रा जोड़ने के लिए ऑप्शनल फील्ड काम में लेते हैं। द ऑप्शन फील्ड ऑलवेज प्रेजेंट इन एवरी IPv4 पैकेट। ये बिल्कुल गलत है। द ऑप्शन फील्ड कैन इंक्लूड वेरियस टाइप ऑफ ऑप्शन सच एज टाइम स्टैम्प एंड सिक्योरिटी एंड पैडिंग। द लेंथ ऑफ द ऑप्शन फील्ड कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द ऑप्शन इंक्लूड। बिल्कुल, इसकी साइज कोई फिक्स नहीं है, 0 से 40 byte के बीच में होती है। ये पॉइंट आपके समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट चलिए, इस क्वेश्चन को पढ़िए एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट IPv4 हेडर पैडिंग इज नॉट ट्रू। पैडिंग के बारे में क्या सही नहीं है? पैडिंग इज यूज टू इंश्योर दैट द IPv4 हेडर लेंथ इज ए मल्टीपल ऑफ 4 byte। बिल्कुल बच्चों याद रखना, पैडिंग इज यूज टू इंश्योर दैट IPv4 हेडर लेंथ इज मल्टीपल ऑफ 4 byte। हेडर लेंथ मल्टीपल ऑफ 4 byte, बिल्कुल सही है। भरोगे कैसे? अगर मान लो 21 किसकी हेडर की लेंथ है, डिवाइड बाय 4 नहीं कर सकते, 3 पैडिंग बिट आपको जोड़नी पड़ेगी। बच्चों पैडिंग इज इंक्लूड टू इंक्रीज द टोटल हेडर लेंथ
टू ए मिनिमम ऑफ 20 बाइट बिल्कुल गलत है बच्चों, क्लियर। इसके लिए पैडिंग नहीं है, हेडर की लेंथ 20 बाइट तो ऑलरेडी होती है, 20 बाइट बनाने के लिए पैडिंग नहीं करते। पैडिंग इज एडेड इफ द IPv4 हेडर ऑप्शन फील्ड इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 4 बाइट लेंथ, ये बिल्कुल सही है। पैडिंग इज यूज टू अलाइन द IPv4 हेडर सो दैट इट कैन बी इजिली प्रोसेस्ड बाय हार्डवेयर, ये बिल्कुल सही है बच्चों, क्लियर। याद रखना 20 बाइट बनाने के लिए नहीं होती, मल्टीपल ऑफ 4 बनाने के लिए होती है। क्या ये क्लियर है सबके? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको देखिए। विथ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द IPv4 हेडर, IPv4 हेडर इंक्लूड ए फील्ड फॉर चेकसम, बिल्कुल। IPv4 हेडर कंटेन ए फील्ड ऑफ टाइम टू लिव, बिल्कुल। IPv4 हेडर सपोर्ट इंक्रिप्शन एंड कंप्रेशन, तो बच्चों अभी तक तो ये चीज पढ़ी नहीं है तो ये हटा दो। द IPv4 हेडर एज ए फील्ड फॉर द सोर्स एंड डेस्टिनेशन IP एड्रेस, तो ये सारे फील्ड होते हैं इसको छोड़कर बच्चों, क्लियर। चलिए एक बार कमेंट कर दो, एक पूरा का पूरा चैप्टर मैंने समझाने की कोशिश की। IPv4 एक क्वेश्चन था, उसको DF0 कर लेने पर वो आपका क्वेश्चन भी बन जाएगा, क्लियर। एक बार कमेंट कर दीजिए क्या ये पूरा क्लियर है आप लोगों के। टॉपिक का क्या नाम था? IPv4 पैकेट, पहले वर्जन बच्चों, क्लियर। वर्जन के बाद हेडर लेंथ, हेडर लेंथ के बाद क्वालिटी ऑफ सर्विस बच्चों, क्लियर। उसके बाद क्या होता है? क्वालिटी ऑफ सर्विस के बाद पैकेट की पूरी लेंथ, फिर बच्चों फिर नीचे आ जाइए, क्लियर। तो फिर नीचे जब अपन आए तो अपन को क्या क्या मिला? तो बच्चों पूरी की पूरी लाइन आपके याद हो जानी चाहिए, अरे सर ऐसा ऐसा हो रहा है, क्लियर। तो ये पॉइंट आपको मैंने पढ़ाया, एक बार और रिपीट करना, आपके क्लैरिटी आ जाएगी, क्लियर। हाँ जी, अब चलते हैं अपन आगे। अब गुरुजी ये तो आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, टुकड़ा होगा, पैकेट होगा, आगे जाएगा, MTU ज्यादा होगा, टुकड़ा होगा, ऑफसेट निकालो, MF निकालो, DF निकालो, सब कुछ निकाल के बताओ। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेटवर्क लेयर काम कैसे करती है, राउटर काम कैसे करते हैं, MTU क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, किस तरीके से फ्रेगमेंटेशन होंगे, कैसे फील्ड बनेंगे, कैसे चेकसम होगा, ये सारी चीजों का मैं अभी आपको समझाता हूँ, एक बार समझना। लेकिन उससे पहले आप एक बार शेयर कर दो, मैं फिर क्लियर कर देता हूँ। इन क्लास में वही टिक पाएगा जो वाकई प्रोग्रामर और ACP बनने लायक है। बच्चों नॉर्मल व्यक्ति अंबिका क्लासेस की क्लासेस में नहीं टिक पाता, इसलिए याद रखना कोई बिल्कुल ही नॉर्मल है, शुरू से स्टार्ट हो जाओ एप्लीकेशन लेके और बच्चों करना स्टार्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन समझाता हूं और उस क्वेश्चन से आपके ये समझ में आ जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, समझना बच्चों, अलर्टनेस पे रहना, न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन क्या है? फाइंड हेडर इंफॉर्मेशन फॉर ऑल फ्रेगमेंट, ठीक है। देखो बच्चों ये कह रहा है, देयर इज ए होस्ट ए प्रेजेंट इन नेटवर्क एक्स MTU, इसकी MTU क्या है? मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट में सब आ जाता है। क्या ये पैकेट ही कितने का लेगा? तो ये 520 बाइट का पैकेट लेगा बच्चों, क्लियर। याद रखना, याद रखिए, इसके अंदर जो पैकेट आएगा वो 520 बाइट का आएगा और जाएगा वो भी 520 बाइट का मैक्सिमम जा सकता है बच्चों, क्लियर। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इस नेटवर्क में ये एक नेटवर्क है, ये एक नेटवर्क है, ये 520 बाइट का बच्चों डेटा ले सकता है और ये कितने का ले सकता है? 200 बाइट। तो समझना बच्चों, देयर इज ए होस्ट बी प्रेजेंट इन नेटवर्क वाई, MTU इसका कितना है? तो इसका MTU कितना है बच्चों? 200 बाइट बच्चों, क्लियर। तो इसका MTU 200 बाइट है। MTU का मतलब होता है पूरे पैकेट की लेंथ। ये 200 बाइट का पैकेट ले सकता है जिसमें हेडर भी आ गया और बच्चों उसके अंदर पेलोड भी आ गया बच्चों, क्लियर। ये पॉइंट आपको याद रखना है, यहाँ पर हेडर भी आ गया और यहाँ पर क्या हो गया? तो यहाँ पर पेलोड भी आ गया, ठीक है। होस्ट ए वांट टू सेंड ए मैसेज टू होस्ट बी, बच्चों ये 520 बाइट का डेटा जाना चाहता है, इधर से उधर जाना चाहता है बच्चों, क्लियर। हेडर लेंथ 20 बाइट, यहाँ पर 20 बाइट है तो डेटा कितना हो गया? 500। बच्चों ये 20 बाइट है, ये 20 बाइट है तो डेटा हो गया कितना? 180। ये 180 बाइट के डेटा को हैंडल कर सकता है। होस्ट ए वांट टू सेंड ए मैसेज टू होस्ट बी, ठीक है। हेडर लेंथ 20 बाइट, ठीक है, ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये 500 बाइट जब यहां से जाएगी तो आप बताइए, इसको देखिएगा राउटर, अरे इसकी तो दुर्दशा हुई पड़ी, ये तो 200 बाइट से ज्यादा का पैकेट ही नहीं लेगा। तो राउटर जो इंटरमीडिएट राउटर है वो इसके फ्रेगमेंट कर देगा। बच्चों याद रखना, फ्रेगमेंट किसका होगा? ये तो 20 तो सुरक्षित है, इस 500 के टुकड़े होंगे बच्चों, क्लियर। अब 500 के जब मैं टुकड़े करता हूं तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि आपको पता है 180 से ज्यादा नहीं ले सकता ये, तो 180 से कम के टुकड़े होने चाहिए बच्चों, क्लियर। और 8 से मल्टीपल टुकड़ा होना चाहिए, 180 को 8 से डिवाइड नहीं होता बच्चों, क्लियर। तो ये टुकड़ा तो नहीं चलेगा, तो 180 से नीचे 176 किससे डिवाइड हो जाता है? 8 से।
तो बच्चों ये तो आपके क्लियर हो गया कि ये 200 बाइट को हैंडल कर सकता है, ये 520 बाइट को हैंडल कर सकता है, 20 तो आपका हेडर है, 500 आपका पेलोड है, या 180 आपका क्या है बच्चों पेलोड है। तो एक बार बताइए, 180 8 से डिवाइड होता नहीं है क्योंकि ऑफसेट ऑफसेट फील्ड मेरे को भरना पड़ेगा बच्चों, क्लियर। तो एक बार बताइए, जब ये जाता है, जब ये पैकेट जाता है पूरा का पूरा, जो यहाँ पैकेट होता है उसके लिए अपन इंफॉर्मेशन भर देते हैं बच्चों, वर्जन यहाँ पर आई जाएगा, वर्जन में कोई चेंज नहीं है बच्चों, क्लियर। चलो सभी नहीं भरते हैं, अपन कुछ चीजें देख लेते हैं उसके हिसाब से भर देते हैं। जो आईपी इस पैकेट पे होगा बड़े में, वही आईपी छोटे छोटे में होगा बच्चों, याद रखिए। क्या क्या बदलेगा उनको मैं लिख लेता हूँ, क्या क्या बदलेगा बच्चों। एक तो जो फ्रेगमेंट है उसकी लेंथ बदल जाएगी, फ्रेगमेंट की लेंथ बदल जाएगी, फ्रेगमेंट की लेंथ बदल जाएगी बच्चों, क्लियर। फ्रेगमेंट की लेंथ बदल जाएगी, एक डीएफ बदल जाएगा सबका, एक एमएफ बदल जाएगा सबका बच्चों, एक चेकसम बदल जाएगा सबका, एक क्या बदल जाएगा चेकसम बच्चों, क्लियर। और क्या बदल जाएगा, और बच्चों हेडर लेंथ बदल जाएगी, हेडर लेंथ बदल जाएगी, हेडर लेंथ तो नहीं बदलेगी, वही 20 रहेगी बच्चों, क्लियर। एक ऑफसेट बदल जाएगा, ऑफसेट फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट ऑफसेट बच्चों, क्लियर। फ्रेगमेंट ऑफसेट बदल जाएगा, फ्रेगमेंट ऑफसेट निकालना है। तो ये सारी चीजें सबके लिए निकालनी है, एक बार देख लेते हैं इनको और समझने की कोशिश करो। ये जाएगा 520 बाइट का जाएगा, ये हैंडल करेगा 200 बाइट, 20 बाइट का तो हेडर है, 20 बाइट का तो हेडर है, डेटा कितना 500, डेटा कितना 180। याद रखिए मैंने आपको कहा ऑफसेट के अंदर ये होता है मेरे से पहले कितना डेटा गया, और डेटा के अंदर जो लिखा होता है ऑफसेट, फ्रेगमेंट ऑफसेट के अंदर जो चीज लिखी होती है, फ्रेगमेंट ऑफसेट के अंदर जो चीज लिखी होती है वो 8 से डिवाइड करके लिखी होती है, जो भी आपने डेटा लिया उससे 8 से डिवाइड करके लिखी होती है। तो आप बताइए, पहला जो मैंने किया वो 176 बाइट का मैक्सिमम भेज सकता हूँ, 20 बाइट का हेडर, तो एक टुकड़ा तो ये हो गया। लेकिन बच्चों कंटेंट कितना था आपका पास, 500 था, 500 में से 176 आपने माइनस कर दिया बच्चों, क्लियर है। एक और 176 और कर देता हूँ बच्चों, क्लियर, क्योंकि 500 है और 20 बाइट का आपका हेडर है, तो 176 कितना हो गया बच्चों, 176 और 176 6 6 12 बच्चों, 7 7 14 15 और ये कितना 352। अब बच्चों 500 में से आपको कितना उठाना है, 352 उठाना है, तो बच्चों ये कितना हो गया 8 हो गया, और ये कितना हो गया आपका 4 हो गया बच्चों, क्लियर। और ये 148 बच्चों, क्लियर। आप बताइए 148 बना क्या, ये 548 ठीक है, ये कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 148 हो गया। अब बच्चों याद रखना क्यों, क्योंकि ये तो कमी है, तो इसके लिए आप ये मत देखना कि ये तो 8 से डिवाइड है ही नहीं बच्चों, इसका 8 से डिवाइड होना कोई जरूरी नहीं है बच्चों। कितने टुकड़े होंगे इसके, तीन, इस पैकेट के तीन फ्रेगमेंट बनेंगे, एक ये बनेगा, एक ये, एक ये। और बच्चों डेटा कितना जा रहा है, तो डेटा जा रहा है 196 बाइट बच्चों। वो ये पूछे तो पहले फ्रेगमेंट में कितना डेटा है 196, पेलोड कितना 176, हेडर कितना 20 बाइट बच्चों, ऐसे ये 196 बाइट का है बच्चों, क्लियर पूरा पैकेट। और जो तीसरा पैकेट बना वो 168 बाइट का है, क्लियर। एक बार ये समझ में आ गया तो एक बार कमेंट कर दीजिए। जो भी पेलोड जाएगा वो 8 का मल्टीपल जाएगा, 180 से ज्यादा पेलोड जा नहीं सकता, हर एक पैकेट में हेडर जरूर लगेगा, हेडर वही होगा जो इधर होगा, हेडर की साइज वही रहेगी, हेडर के अंदर का डेटा जरूर बदलेगा, क्लियर। एक बार ये कमेंट करो कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, 176 176 148, क्लियर। एक बार कमेंट कर दो बच्चों, क्या ये कैलकुलेशन क्लियर है, कैलकुलेशन ऊपर नीचे हो सकती है बच्चों। 176 176 253 352 148 सही है, कैलकुलेशन क्लियर है बच्चों। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों जब ये जाएगा तो आप बताइए इसका डीएफ क्या होगा, ये कह रहा है एक बार बताइए इसके डीएफ में क्या होगा, जो बड़ा डीएफ है पैकेट, तो इसके डीएफ में क्या होगा, एक इसका डीएफ बच्चों, इसका डीएफ, ये सब अपन को लिखना है, यहाँ तो पहुंच गया, यहाँ पर लिखने की क्या जरूरत है। तो बच्चों इसके डीएफ में क्या होगा, इसके डीएफ में क्या होगा बच्चों, जीरो। ये कह रहा है डू नॉट फ्रेगमेंट बच्चों, डीएफ डू नॉट फ्रेगमेंट, अगर वन कर देता तो यहाँ जाते डिस्कार्ड हो जाता, क्योंकि आगे की कैपेसिटी 520 की है ही नहीं। तो बच्चों डीएफ जीरो, तो ए के पास जो पैकेट बना, बड़ा पैकेट, जो बड़ा पैकेट है, बड़ा पैकेट, उसका डीएफ क्या होगा, जीरो। लेकिन बच्चों इसके आगे कोई टुकड़े नहीं हो रहे, इसलिए ये डीएफ क्या होगा, वन, डू नॉट फ्रेगमेंट, टुकड़ा मत करना, डीएफ वन बच्चों, क्लियर। इन सब में डीएफ बीटीए सेट हो जाएगी, आइडेंटिफिकेशन जो यहाँ है वही यहाँ पर आ जाएगा बच्चों, क्लियर। क्वालिटी ऑफ सर्विस जो यहाँ है वही यहाँ पर आ जाएगी, प्रोटोकॉल जो यहाँ है वही यहाँ पर आ जाएगी बच्चों, क्लियर। हर चीज जो यहाँ है वही यहाँ पर आ जाएगी, एमएफ
ये जब वो पहुंचेगा तो इसको कहेगा कि भाई मेरे बाद में भी और है तो वन, मेरे बाद में भी और है तो वन, और मेरे बाद में कोई नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। क्योंकि इन्हीं को रीअसेंबल करेंगे तो बच्चों ये कहेगा मेरे बाद मोर फ्रेगमेंट, मेरे बाद में भी और है, मोर फ्रेगमेंट मेरे बाद में भी और है, मोर फ्रेगमेंट मेरे बाद में भी और है। बच्चों ये तो एक ही पैकेट था तो इसका एमएफ कितना होगा कि मेरे बाद में तो कोई नहीं है। बच्चों क्लियर, तो ये पॉइंट याद रखिए। अब चलिए अपन बात कर लेते हैं फ्रेगमेंट ऑफसेट। फ्रेगमेंट ऑफसेट ये कहेगा कि मेरे से पहले कोई नहीं गया। फ्रेगमेंट ऑफसेट, फ्रेगमेंट ऑफसेट क्या कहता है, मेरे से पहले कितना गया, तो मेरे से पहले जीरो गया तो इसके लिए जीरो। ये कहेगा मेरे से पहले 176 गया, मेरे से पहले 176 डिवाइड बाय 2, ये फ्रेगमेंट ऑफसेट की वैल्यू आएगी बच्चों कितना, 2 और 2 22। और बच्चों ये कहेगा कि मेरे से पहले फ्रेगमेंट ऑफसेट बच्चों कितना गया, 176 22 प्लस 22, मेरे से पहले 44 गया। बच्चों क्लियर, ये याद रखिए, इसके फ्रेगमेंट ऑफसेट में 44, इसके में 22 और इसके में क्या होगा, जीरो। बच्चों क्लियर, इस तरीके से जो बदल सकता है वो बदलेगा और चेकसम इन सभी को मिलकर, तो चेकसम हर बार कैलकुलेट होगा, हर बार कैलकुलेट होगा, हर बार कैलकुलेट होगा। बच्चों क्लियर, तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। क्लियर है बच्चों, क्या ये चीज समझ में आ गया? सर ऑफसेट में एडर लेंथ काउंट नहीं होगी क्या? ऑफसेट में एडर लेंथ काउंट नहीं होगी, ये काउंट होगा मेरे से पहले डेटा कितना गया, मेरे से पहले डेटा कितना गया, मेरे से पहले डेटा कितना गया, क्यों? क्योंकि आपको डेटा से मतलब है हेडर हटते जाएंगे। बच्चों क्लियर, मेरे से पहले डेटा कितना गया, क्लियर। तो यहां तक आपके समझ में आ जाना चाहिए, क्या ये क्लियर है बच्चों? सर लास्ट फ्रेगमेंट में 148 बनेगा तो ऑफसेट की वैल्यू क्या रहेगी? ऑफसेट की वैल्यू ये गई, क्योंकि याद रखिए इसका 8 से डिवाइड होना जरूरी नहीं है, ये कह रहा है इससे पहले कितना गया तो ये और ये काम आएगा, इसलिए यहां 44 आएगा। क्लियर है निशान? क्या निशान था आपके क्लियर है ये चीज कि लास्ट वाले में 8 से डिवाइड होना जरूरी नहीं है लेकिन उससे पहले वाले सब में 8 से डिवाइड होना जरूरी है? क्या ये क्लियर है? मेरे हिसाब से पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेटवर्क लेयर किस तरीके से काम करती है, कैसे विचार होते हैं, वो आपको समझना होगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। हेडर लेंथ तो फिक्स रहती है, बिल्कुल हेडर लेंथ फिक्स रहेगी बच्चों, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। चलिए इस क्वेश्चन के लिए निकालते हैं अपन। देखो बच्चों ये क्या कह रहा है, समझने की कोशिश करना, इसके बजाय अपन ये क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा और बढ़िया क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। इस क्वेश्चन को लेते हैं, समझने की कोशिश करना बच्चों, ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है नेट के अंदर, गेट के अंदर कई बार आ चुका है, एक बार इसको कवर करके करेंगे। क्लियर, ऑफसेट लास्ट प्लस प्रेजेंट, प्रेजेंट नहीं, ऑफसेट लास्ट प्लस प्रेजेंट नहीं, ऑफसेट फ्रेगमेंट ऑफसेट में मेरे से पहले कितना गया, मेरे से पहले कितना गया। बच्चों क्लियर, याद रखिए डिवाइड बाई 8 लिखते ही है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखिए, ये आपका नेटवर्क है बच्चों, ये नेटवर्क इस तरीके से बना हुआ है, तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं। फाइंड हेडर इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द फ्रेगमेंट, जितने भी फ्रेगमेंट हुए उन सब की हेडर इंफॉर्मेशन चाहिए। इफ फर्स्ट एंड थर्ड सेंड डायरेक्टली, फर्स्ट और थर्ड बच्चों, फर्स्ट और थर्ड डायरेक्टली भेज दिए गए, फर्स्ट और थर्ड को डायरेक्टली भेज दिया गया। क्लियर, एंड सेकंड फ्रेगमेंट सेंड थ्रू नेटवर्क जेड, तो बच्चों सेकंड वाला ये जेड नेटवर्क की तरफ गया। बच्चों क्लियर, यानी कुल मिला के यहाँ 3 फ्रेगमेंट बने, फर्स्ट और थर्ड को तो इधर भेज दिया और बच्चों थर्ड वाले को, सेकंड वाले को नेटवर्क जेड से भेजा गया। तेरे जो होस्ट ए रिप्रेजेंटेड नेटवर्क एक्स हैविंग एमटीयू 520 बाइट। बच्चों क्लियर, इसकी मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट 520 बाइट है बच्चों, इसका मतलब पैकेट की साइज 520। याद रखिए यहाँ पर हेडर लेंथ 20, ये कंटेंट कितना बच्चों 500, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट बच्चों ये 200 बाइट किसकी है, बी की 200 बाइट, तो इसका मतलब ये 20 और ये कितना बच्चों 180। लेकिन याद रखना जो भी आएगा वो किससे डिवाइड वाला होना चाहिए, 8 से डिवाइड, तो जब भी टुकड़े करे तो बच्चों 180 मैक्सिमम पेलोड हो सकता है लेकिन 8 से डिवाइड ये होता ही नहीं है, तो बच्चों याद रखना ये 20 और 176 का मैक्सिमम ले सकता है। क्लियर, नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। और द जेड इसका ये कितना 110, तो ये 110 है तो ये 20 और ये मैक्सिमम 90 ले सकता है, मैक्सिमम है ये, मैक्सिमम 90 है लेकिन 90 8 से डिवाइड होता ही नहीं है, तो ये 88 लेगा। कितना लेगा बच्चों 88, तो 90 को यहां से हटा देंगे, ये पेलोड लेगा बच्चों 88। क्लियर, अब चलिए मैं इसको बना देता हूं, ये 500 है वो 176 है, पहले यहां पर पहुंचा, यहां पर पहुंचा तो इसने देखा कि बच्चों एक पहले तो इसने टुकड़े कर दिए, टुकड़े किए बच्चों डायरेक्ट 103 176। बच्चों क्लियर, और ये कितना 20, वही क्वेश्चन है पुराने वाला, ये 176, ये कितना बच्चों 20
और ये कितना बच्चों, ये क्वेश्चन कितना था, यहां पर जो टुकड़े हुए वो देख लेते हैं, यहां पर जो टुकड़े हुए 148 बच्चों, क्लियर। तो ये कितना है 148 और ये कितना 20। तो सभी बच्चों के ये क्लियर हो जाना चाहिए कि जब यहां से यहां पर पहुंचा तो बच्चों एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि इसकी जो कैपेसिटी है वो क्या है, तो इसकी कैपेसिटी बच्चों कितना है, ये डायरेक्ट भेज रहा है 103 को डायरेक्ट भेज रहा है, तो 103 तो आपका पहुंच जाएगा क्योंकि इसकी कैपेसिटी ए से बी में भेजना है, ए से बी में भेजना है, तो ये भेज सकता है 520, ये ले सकता है 200, इसलिए इसको टुकड़ा करना पड़ेगा और टुकड़ा ये कर दिया, ये कर दिया और ये कर दिया बच्चों, क्लियर। याद रखिए डायरेक्ट भेजता तो ये टुकड़े होते। अब बच्चों ये तो डायरेक्ट जा रहा है, इसको ये तो डायरेक्ट जा रहा है, इसमें तो डी एफ डू नोड फ्रेगमेंट बच्चों 1 कर दिया, ये डायरेक्ट जा रहा है, ये भी डायरेक्ट जा रहा है डी एफ 1, ये भी डायरेक्ट जा रहा है, लेकिन इसमें क्या कर देंगे डी एफ 0 कर देंगे और ये इधर से चला जाएगा, क्योंकि डी एफ 0 नहीं करेंगे तो बच्चों फिर ये इसका फ्रेगमेंट होना बाकी है, अभी और फ्रेगमेंट हो सकता है बच्चों। ये कितना 88 है, अब अगर ये 88 है तो आप बताइए यहां से कितना आ रहा है, 176 आ रहा है। अब 176 में से एक बन गया बच्चों कितना 88 और ये कितना 20 और ये कितना बच्चों दूसरा भी 88 और ये कितना 20, क्लियर। तो बच्चों ये सेकंड का फर्स्ट फ्रेगमेंट है, ये सेकंड का फर्स्ट फ्रेगमेंट है, ये सेकंड का सेकंड फ्रेगमेंट है बच्चों, क्लियर। अब इसका कोई आगे टुकड़ा नहीं होगा, इसका डीएफ क्या होगा बच्चों 1 और इसका डीएफ भी क्या होगा बच्चों 1, सबका डीएफ सेट हो चुका है, क्लियर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों एमएफ बताइए, ये कह रहा है मोर फ्रेगमेंट, क्योंकि सबसे पहले यही जाएगा तो बच्चों मोर फ्रेगमेंट इसके लिए 1, ये क्या कह रहा है मोर फ्रेगमेंट बच्चों, क्लियर। इसका ये तो पहुंचेगा ही नहीं, तो इसको तो मैं डिस्कार्ड कर देता हूं क्योंकि ये तो पहुंचेगा ही नहीं, पहुंचेगा कौन, तो पहला तो कौन पहुंचेगा बच्चों, पहला तो आपका ये पहुंचेगा फर्स्ट, सेकंड आपका ये पहुंचेगा और थर्ड आपका ये पहुंचेगा बच्चों, क्लियर, और फोर्थ आपका ये पहुंचेगा। तो आप बताइए इसके एमएफ में क्या होगा, इसके एमएफ में 0 होगा, इसके एमएफ में 1 होगा, इसके एमएफ में क्या होगा, इसके एमएफ में 1 होगा और इसके एमएफ में भी क्या होगा, इसके एमएफ में भी 1 होगा बच्चों, क्लियर, और इसके एमएफ में क्या होगा 0। अब आ जाइए ऑफसेट, ऑफसेट की बात कर लेते हैं बच्चों। इससे पहले कौन पहुंचा, कोई नहीं पहुंचा, तो बच्चों फ्रेगमेंट ऑफसेट बच्चों क्या होगा 0। इससे पहले कितना पहुंचा, इससे पहले 176 पहुंचा, तो फ्रेगमेंट ऑफसेट 176 डिवाइड बाई 8 कितना होगा 22। इससे पहले कौन पहुंचा, 176 और 88 डेटा पहुंचा, तो बच्चों 176 प्लस 88 डिवाइड बाई कितना बच्चों 8, 22 और 11 कितना हो गया 33। इससे पहले कितना पहुंचा, इससे पहले 176 पहुंच गया, तो बच्चों ऑफसेट फ्रेगमेंट ऑफसेट कितना हो जाएगा 44, क्लियर। इस तरीके से याद रखना, चेक सम सबका निकल जाएगा और कितने बनेंगे बच्चों, तो एक बनेगा, फिर दूसरा बनेगा और ये तीसरा बनेगा और ये चौथा बनेगा, क्लियर। एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, ये पूरा का पूरा खेल समझ में आ गया, 176 88 144। इस तरीके से बच्चों पैकेट छोटे छोटे फ्रेगमेंट में बटके फिर अलग अलग राउटर से होके अपने गंतव्य तक पहुंचता है, लेकिन अगर ये 520 होता और ये भी 520 होता, ये डायरेक्ट पहुंच जाता, इसके टुकड़े करने की जरूरत ही नहीं है। एमएफ डीएफ सब कुछ आपको उसी तरीके से हैंडल करना है जिस तरीके से क्वेश्चन है। क्या ये क्लियर है सबके, बोलो। अगर लेने वाले नेटवर्क की कैपेसिटी इतनी है ही नहीं बच्चों, वो तो 2G पे काम कर रहा है, लेने वाले नेटवर्क की कैपेसिटी इतनी है ही नहीं, तो उतने बड़े पैकेट को नहीं लेगा, तो पैकेट को इंटरमीडिएट डिवाइसेज बच्चों छोटे छोटे पार्ट में बांट देती है, इसको फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। क्या क्लियर है, एक बार कमेंट कर दो। यहां तक का कंसेप्ट अगर आपके क्लियर है तो याद रखिए आपके नेटवर्किंग लेयर पूरी तरीके से समझ में आ चुकी है, राउटिंग एल्गोरिथम मैंने पहले बताए दिए, जितने भी प्रोटोकॉल है नेटवर्क लेयर के वो सारे समझाए दिए, मेरे को नहीं लगता कि अब कोई दिक्कत आएगी, क्लियर। ये आपको समझना है, पूरी थ्योरी यहां से आपकी क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट, अब बच्चों देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूं जो बार बार आ रहा है, क्लियर। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं अपन, थोड़ा सा एक्टिव रहना। सपोज ए राउटर रिसीव एन आईपी पैकेट कंटेनिंग 600 डेटा बाइट है यहाँ पर बच्चों, डेटा बाइट कितनी है 600 बाइट बच्चों, क्लियर, बाइट, एंड हैज टू फॉरवर्ड द पैकेट टू ए नेटवर्क विद मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट 200 बाइट, और यहाँ पर कितना है बच्चों MTU कितना है इसका, तो इसका MTU कितना है 200 बाइट, 200 बाइट मतलब पूरा पैकेट ही 200 बाइट का ले सकता है, क्लियर। अज्यूम डेट आईपी हेडर इज 20 बाइट, बच्चों ये कितना है 20 बाइट है, ठीक है, और यहाँ पर भी कितना है, तो यहाँ पर भी कितना है बच्चों 20 बाइट है, ये भी 20 बाइट है बच्चों, क्लियर, और ये कितना है 180 बाइट, लेकिन बच्चों जो भी पैकेट लेगा
वो याद रखना, जब एमटीयू ज्यादा है तो पूरा लेगा, नहीं तो टुकड़े लेंगे, और बच्चों ये 176 बाइट्स ले पाएगा बच्चों, क्लियर, एक पैकेट के अंदर, ठीक है। अज्यूम डेट आईपी हेडर इज 20 बाइट लॉन्ग, व्हाट इज द फ्रेगमेंट ऑफसेट वैल्यू फॉर द डिवाइडेड पैकेट, ये नेट का क्वेश्चन है। अब बच्चों एक बार बताइए, ये वही क्वेश्चन बन गया, बस ये 500 की जगह क्या आ गया बच्चों, 600 आ गया। तो बच्चों ये कितना हो गया 176, अगला भी कितना 176, और अगला भी कितना बच्चों 176, और जो बच गया वो बता दीजिए मेरे को कितना बच गया। तो 176 176 176, आईपी पैकेट कंटेनिंग 600 डेटा बाइट्स, ठीक है, पैकेट ही 600 बाइट का है ना, पैकेट कितने बाइट का है, 600 बाइट का, पूरा पैकेट 600 बाइट का, पेलोड नहीं है, पैकेट बोल रहा है, पैकेट कंटेनिंग 600 डेटा बाइट्स, बच्चों ये कितने बाइट का है, 600 बाइट का है, और यहां पर 20 तो ये कितना हो गया 580 हो गया, ठीक है। अब एक बार 176 176 176 को जोड़ लीजिए, कितना आ गया बच्चों 176 × 3 कर लीजिए, 36 18 7 21 और 1 22 और 2 और कितना 5 2 और ये कितना बच्चों 5, तो 528 हो गया 528, तो बच्चों 528 580 में से हटा दीजिए तो 2 और ये 52 हो गया बच्चों, क्लियर 52। तो एक बार बताइए डिवाइड बाई, इससे पहले कितना गया तो 0, इससे पहले कितना गया तो 22, इससे पहले कितना गया 44, और इससे पहले कितना गया तो बच्चों कितना हो गया 66 बच्चों, क्लियर 0 / 44 = 66, ये आपका आंसर आ जाएगा, क्या ये क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया बच्चों। तो किस तरीके से फ्रेगमेंट ऑफसेट की वैल्यू निकालते हैं, ये पॉइंट भी आपके क्लियर हो जाना चाहिए। अब बच्चों एक क्वेश्चन अपन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और है, जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको और देखिए, ये भी नेटवर्किंग लेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है और कई बार आ चुका है, क्लियर। अगर ज्यादा टुकड़े कर दो तो भी गलत है, कम टुकड़े कर दो तो भी गलत है। एमटीयू देखिए, एक ही पैकेट भेज रहे हैं और एमटीयू की कैपेसिटी को क्रॉस नहीं कर रहा, तो उसको क्यों फ्रेगमेंट करते हो, क्यों फ्रेगमेंट करते हो, क्यों फ्रेगमेंट करते हो। अगर एमटीयू की कैपेसिटी को नहीं हैंडल कर पा रहा है तो उसके फ्रेगमेंट करो, लेकिन कोशिश करो बड़े से बड़ा पैकेट बनाना। लेकिन बच्चों एक क्वेश्चन ये आया कि देखिए, समझने की कोशिश करना, शायद ऐसा लग रहा है टाइम ज्यादा हो गया, ठीक है, बाकी एक क्वेश्चन और आता है इसको, चलो मैं समझा देता हूँ। देयर इज ए नेटवर्क हैविंग बैंडविड्थ ऑफ 1 Mbps, बच्चों क्लियर, 1 Mbps, ए मैसेज ऑफ साइज 1000 बाइट हैज टू बी सेंड, ठीक है बच्चों। पैकेट स्विचिंग टेक्निक इज यूज्ड, ईच पैकेट कंटेन ए हेडर ऑफ 100 बाइट्स, आउट ऑफ द फ्लोइंग इन हाउ मेनी पैकेट द मैसेज मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट द टोटल टाइम टेकन इज मिनिमम, क्लियर, ये आपका क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को समझना, लेकिन मैं एक मिनट के लिए रेस्ट कर लेता हूँ। देखो क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि ज्यादा छोटे छोटे पैकेट करते हैं तो भी दिक्कत है, और बड़ा पैकेट भेजे तो भी दिक्कत है। तो जो मैसेज होते हैं भाई, एक तो ये होता है एक मैसेज को एक ही पैकेट में बना के भेज दूं, ये उस क्वेश्चन से बिल्कुल अलग है कि एमटीयू की साइज क्या है क्या नहीं है, राउटर कैसे तोड़ रहा है नहीं तोड़ रहा, फ्रेगमेंटेशन कैसे हो रहा है नहीं हो रहा, ये क्वेश्चन केवल इतना सा है कि मैसेज है। अब बच्चों पैकेट स्विचिंग में क्या होता है, मैसेज को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ के भेजा जाता है। अब मैं ये कहूं कि पूरे मैसेज को एक ही पैकेट बना के भेजें तो क्या होगा, और एक पूरे पैकेट के बहुत सारे मैसेज बना के बहुत सारे पैकेट बना के भेजें तो क्या होगा, और एक एवरेज एवरेज नंबर्स ऑफ मैसेज पैकेट बना के भेजें तो क्या होगा, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। भाई आप बताइए मैसेज स्विचिंग में क्या होगा, पूरे मैसेज को भेजा जाता है। सर्किट स्विचिंग में क्या होता है, पूरे मैसेज को एज ए बाइट स्ट्रीम या बिट स्ट्रीम के रूप में भेजा जाता है। लेकिन पैकेट स्विचिंग में क्या होता है, तो पूरे मैसेज को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ के भेजा जाता है। तो क्वेश्चन यही है कि कितने टुकड़े करे कि टाइम कम लगे बच्चों, क्लियर, टाइम कम लगे, जो पहुंचने का टाइम है वो कम लगे बच्चों, क्लियर। तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, क्या क्वेश्चन क्लियर है, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है एक मैसेज को कितने छोटे छोटे यानी कितने पैकेट में बांटे, कितने पैकेट में बांटे ताकि जो उसको भेजने का टाइम है वो कम से कम लगे। बच्चों मैंने आपको जब बताया था तो एक चीज मैंने बताई थी, ऑफलाइन वाले बच्चे ऑनलाइन वाले बच्चे जो भी एप्लीकेशन के बच्चे हैं सबको पता है कि जब मैं कोई डेटा यहाँ पर डालता हूँ, जब मैं डेटा यहाँ से उठा के यहाँ पर डालता हूँ, एक पॉइंट आपको दिमाग में रखना है, जब डेटा मैं यहाँ से उठा के यहाँ पर डालता हूँ तो बच्चों इसको ट्रांसमिशन टाइम कहते हैं, और कुल मिला के अपन को ट्रांसमिशन टाइम निकालना है बच्चों, क्लियर, ट्रांसमिशन टाइम निकालना है बच्चों, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। प्रोपेगेशन डिले निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें कहीं नहीं दे रखा कि चैनल की लंबाई कितनी है, और ऐसे भी ट्रांसमिशन टाइम सबसे ज्यादा होता है। अब बच्चों वो ये कह रहा है, देयर इज ए नेटवर्क हैविंग बैंडविड्थ ऑफ 1 Mbps, बच्चों यहां पर बैंडविड्थ कितनी है, तो बैंडविड्थ है बच्चों 1 MB, बाइट नॉट बिट, बी कैपिटल है, बाइट पर सेकेंड, 1 MB पर सेकेंड, ठीक है।
ए मैसेज ऑफ साइज 1000 बाइट। बच्चों मैसेज को बट मैसेज सबको पता है ये मैसेज होता है और मैसेज 1000 बाइट का है। अब बच्चों मैसेज को मैं छोटे छोटे टुकड़ों में बांटूंगा बच्चों क्लियर, और उनके साथ हेडर लगा लगा के पैकेट बनाऊंगा। ये मैसेज एम वन हो गया और इसके साथ अपन हेडर जोड़ेंगे तो ये पैकेट पी वन हो गया बच्चों क्लियर, ये पैकेट पी वन हो गया बच्चों क्लियर। ऐसे तोड़ेंगे तो वो ये कह रहा है कि इस मैसेज को कितने पैकेट में भेजे ताकि जो टाइम लगे वो कम लगे। चलो मान लो वन पैकेट के अंदर मैं इसको भेजता हूँ, कितने पैकेट के अंदर, वन पैकेट के अंदर। तो आप बताइए मैसेज खुद 1000 का है और बच्चों 1000 का है और हेडर कितने का है, 100 का है, तो डेटा कितना जाएगा 1100 बच्चों क्लियर। और ट्रांसमिशन टाइम क्या होता है, तो ट्रांसमिशन टाइम होता है साइज अपॉन बैंडविड्थ बच्चों क्लियर। ये पॉइंट भी आपको दिमाग में रखना है, साइज अपॉन बैंडविड्थ बच्चों क्लियर। तो साइज कितनी है 1100 बाइट, यहाँ पर मैं बाइट लगा रहा हूँ, और बैंडविड्थ क्या है 1 Mbps, MB बड़ा है ध्यान रखिए, PS बच्चों क्लियर। एक बार बताइए 1100 और ऊपर क्या है बाइट, और Mbps में बच्चों क्लियर मेगा बाइट, मेगा को बाइट में चेंज कर दो तो बच्चों 10^6, ये मैंने पहले भी बता रखा है 10^6, 10^6 बाइट पर सेकंड, बाइट पर सेकंड ये एक यूनिट बन गई। अब बच्चों एक बार बताइए बाइट से बाइट खत्म, 20 से 20 खत्म, और ये क्या हो जाएगा 11 बच्चों, 20 से 20 11 के नीचे 10^4 बच्चों क्लियर, सेकंड का टाइम लगेगा। अब सबको पता है बच्चों 10^3 को अपन क्या कहते हैं मिली सेकेंड, तो बच्चों 10^3 अगर ऊपर लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा मिली सेकेंड बच्चों, ये हो गया 1.1 मिली सेकेंड बच्चों क्लियर। अब एक बार बताइए 1.1 मिली सेकेंड क्या है, तो 1.1 मिली सेकेंड इस पैकेट को पहुंचने में लगा, लेकिन पहला पैकेट पहुंचने में ट्रांसमिशन टाइम का हमेशा 3 गुना लगता है, बाकी और सभी पैकेट को पहुंचने में ट्रांसमिशन टाइम के बराबर का टाइम लगता है। तो आप बताइए वन पैकेट जब भेजते हैं तो टोटल टाइम लगेगा 3.3 मिली सेकेंड बच्चों क्लियर, मिली सेकेंड का टाइम लगेगा, ये पॉइंट याद रखना, क्योंकि पहला पैकेट भेजते हैं तो ट्रांसमिशन टाइम का 3 गुना टाइम लगता है क्योंकि वो सारी इंफॉर्मेशन लेके जाता है, और बच्चों जब अगले पैकेट भेजते हैं तो बच्चों थोड़ी स्पीड से चले जाते हैं क्योंकि उनके अंदर MF DFP ये सब कुछ लिखा होता है। यहाँ पर आइए 5 पैकेट में जब मैं तोड़ू तो मैसेज तो आपका बच्चों कितना है 1000, तो 200 बाइट का मैसेज लेके जाएगा, 200 बाइट बच्चों 200 बाइट, क्योंकि मैसेज बच्चों 5 पैकेट में तोड़ूंगा मैसेज को 200 बाइट, और ये कितना बच्चों 200 बाइट, यहां तक आपके क्लियर हो जाना चाहिए। अब 200 बाइट, और यहां पर बच्चों हेडर कितने कितने का 100, ये भी कितना 100, ये भी कितना 100, ये भी 100, ये भी 100 बच्चों क्लियर, 1000 बाइट ऐसे जा रही है। अब बच्चों एक बार बताइए जब 5 पैकेट में तोड़ा मैंने तो 300 बाइट, 300 को मेरे को डिवाइड करना है, 300 बाइट को डिवाइड करना है कि कितना टाइम लगेगा, इसको पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, केवल इतना ही निकाल लेता हूं, एक पैकेट को ट्रांसमिट होने में कितना टाइम लगेगा, एक पैकेट से सब आ जाएगा, 300 के नीचे कितना लगा दो 10^6 बाइट पर सेकेंड, बाइट पर सेकेंड। अब बच्चों यहां पर कितना हो गया, तो ये हो गया 0.3 मिली सेकेंड बच्चों क्लियर, अब तो आपके खेल समझ में आ गया होगा। अब बच्चों इसका टाइम कितना लगा 0.3 × 3, और इन सब चारों का टाइम कितना लगा, तो 0.3 बच्चों क्लियर, तो इन सबका तो हो गया 1.2 मिली सेकेंड प्लस वहां से हो गया 0.9 तो 2.1 मिली सेकेंड लगा बच्चों क्लियर। तो याद रखिए यहाँ टाइम कम लगा, यहाँ टाइम ज्यादा लगा, यहाँ टाइम लगा 3.3, यहाँ पर टाइम लगा 2.1 मिली सेकेंड बच्चों क्लियर। अगर मैं इसको 10 पैकेट में तोड़ के भेजना चाहूं तो 10 पैकेट में आप सबको पता है पहला 100, फिर बच्चों 100, फिर बच्चों 100, एक निकाल लेते हैं और बच्चों ये कितने होंगे 9 होंगे, और एक निकाल लेते हैं तो 100 के नीचे कितना आएगा 10^6 बच्चों, ये भी क्या है बाइट, और ये भी क्या है बाइट पर सेकेंड, बाइट पर सेकेंड, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, तो बच्चों 0.11 भी नहीं हुआ, थोड़ा कम हुआ क्योंकि 100 100 100, तो आप बताइए 200 है, सॉरी कितना है 200 क्योंकि 100 ये भी है, तो 100 100 200, तो ये कितना हो गया 0.2 हो गया, क्लियर है बच्चों, ये 0.3 हुआ वो 0.2 हो गया ठीक है। अब इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं अपन, कैलकुलेशन क्या बनी, यहां पर आ गई 0.2, ये हो गया बच्चों 0.2। अब बच्चों 0.2 × 3, और ये है बच्चों 0.2 × 9, तो ये हो गया 1.8 प्लस बच्चों 0.6, तो ये हो गया 2.4। इसका मतलब जब ज्यादा टुकड़े कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन और ज्यादा टुकड़े कर दे तो गलत हो जाता है बच्चों क्लियर। और 20 पैकेट में भेजूं तो एक पैकेट कितने का बनेगा, एक पैकेट बनेगा 50, और ये कितना 100 बच्चों, 50 और ये कितना 100, ये 50, ये कितना बच्चों 100। अब एक बार बताइए 50 और 100 बना तो 150 बटा कितना 10^6, तो ये हो गया 0.15। अब 0.15
0.15 इंटू कितना 3, तो ये हो गया 0.45 और ये हो गया 19 इंटू 0.15 बच्चों क्लियर, 15 9 135 कितना 13 और ये कितना ये बच्चों 2.85, तो 2.85 प्लस 0.15 क्लियर नहीं 0.45 तो जोड़ देते हैं इसको 0.33 तो इसका मतलब टाइम और ज्यादा बढ़ गया बच्चों क्लियर। तो आप बताइए ज्यादा जब टुकड़े करते हैं तो ये तो क्लियर है कि टाइम कम लगता है, लेकिन हदसे ज्यादा टुकड़े कर देते हैं तो टाइम ज्यादा लगता है। इसलिए याद रखिए यहाँ एल्गोरिथम होते हैं ये चेक करने के लिए कि कितने पैकेट में उस मैसेज को भेजे, क्लियर। ये सन में आ गया तो एक बार कमेंट कर दो 5 पैकेट इसका आंसर रहेगा कि 5 पैकेट में इस मैसेज को तोड़ के भेजेंगे तो ट्रांसमिशन टाइम सबसे कम लगेगा, ट्रांसमिशन टाइम या फिर वहां पहुंचने का टाइम सबसे कम लगेगा बच्चों क्लियर। तो ये पूरी थ्योरी है, इस थ्योरी को मैंने एक एमसीक्यू के थ्रू आपको समझा दिया कि ठीक है आपको इस तरीके से ध्यान रखना है। बच्चों मैसेज कितना था, तो मैसेज 1000 बाइट का था, तोड़ना था ठीक है, और पैकेट बनाना था ठीक है, तो मैसेज के साथ हेडर लगाना है ठीक है, तो काउंट तो सब होगा, तो बच्चों उसको बैंडविड्थ से डिवाइड कर दो। पहला पैकेट जाने में 3 गुना टाइम लगता है, उसके बाद में सिंगल टाइम लगता है, क्लियर। समझ में आ गया होगा बच्चों, चलो कल मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। ये मैराथन किसकी है, नेटवर्किंग, जिसने एक बार एप्लीकेशन देख रखी है, एक महीने में आप प्रोग्रामर बन सकते हो, मात्र 1 महीने, लेकिन पहले वो वीडियो देख लीजिए, वो वीडियो देखने के बाद ये पढ़ना स्टार्ट कीजिए, मैं गारंटी लेता हूं सब कुछ समझ में आ जाएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा ठीक है बच्चों। और इनको छोड़ के जाइए, बहुत सारे करके जा रहे हैं, इस कोचिंग में 1500 का एनरोलमेंट है, 1500 से ज्यादा होंगे मेरे को पता नहीं है, लेकिन 1500 से ज्यादा होंगे प्रोग्रामर में। तो बच्चों आप छोड़ के जाओ, दूसरा करके जाएगा, चलिए टक्कर दीजिए, आप छोड़ के जाइए कोई दूसरा आएगा ठीक है, आपके ऊपर टिका हुआ ठीक है बच्चों, धन्यवाद।